कुरैशी ट्रैफिक में जो है वो फंसे हुए, ये अंदाजा नहीं था कि आज संडे को भी इतना ट्रैफिक हो सकता है। लेकिन दिल्ली तो आप जानते हैं और उन्हें गुड़गांव से वो आ रहे हैं, लेकिन हम इस दरमियान अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे आपकी इजाजत से। मैं
अपने ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर डीपी त्रिपाठी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और कुर्सी सदारत संभालें। इसके अलावा मैं दरख्वास्त कर रहा हूं सईदा आपा से कि वो तशरीफ लाएं ग्रास के। हमारे अहम ट्रस्टीज में से डॉक्टर हरजीत सिंह यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि यहाँ डायस पे आ जाएं। यहाँ जब पढ़ी थी तो उसमें हमारे डॉक्टर आबिद हुसैन साहब जो है उसके रूहे रवां थे, आगे आगे थे और उनकी तहरीक पर हमने मुनिस रजा मेमोरियल लेक्चर का ये जो सिलसिला शुरू किया था, उन्हीं की सरपरस्ती में हमने अब तक 5 लेक्चर्स करवाए। बदकिस्मती से आबिद हुसैन साहब नहीं रहे वो हमारे दरमियान, और उनकी गैर मौजूदगी में मुनिस रजा मेमोरियल लेक्चर जो ये पहला मेमोरियल लेक्चर जो है हम कर रहे हैं, उनको याद करते हुए मैं आप तमाम खवातीन हज़रात से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि 1 मिनट की खामोशी के साथ हम उन्हें याद करें और फिर कार्रवाई को आगे बढ़ा दें। हमारी दरख्वास्त होगी कि लेक्चर खत्म होने के बाद जो हमारे ट्रस्टीज हैं, खुसूसन शाहिद मेहदी साहब यहाँ मौजूद हैं, शैला आपा यहाँ मौजूद हैं, इस लेक्चर के बाद हम एक छोटी सी मीटिंग करना चाहते हैं कि ट्रस्ट की अगली कार्रवाई क्या होगी अगले लेक्चर के सिलसिले में और दीगर हमारी एक्टिविटीज के बारे में। तो शाहिद मेहदी साहब से और शैला आपा से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि लेक्चर के बाद थोड़ी ज़हमत करें और ताकि हम अपनी मीटिंग कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है इलेक्शंस और हिंदुस्तानी जमहूरियत, इस ताल्लुक से जाहिर है यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं बेदार जहन रखते हैं और हमें इस बात पर भी गौर करना है, जब हम मुनिस रजा को याद कर रहे हैं तो हमें इस बात पर भी गौर करना है कि आज़ादी के बाद से अब तक इस जमहूरी निज़ाम में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ज़रिए हिंदुस्तान कहाँ पहुँचा है और क्या क्या कमियाँ रह गई हैं जिनको हमें अभी भी दूर करने की ज़रूरत है और उस पर फिर से गौर करने की ज़रूरत है। और शायद हमारा जो ये डेमोक्रेसी का तसव्वुर है कि ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाई द पीपल, तो हम इस नतीजे पर जो है हिंदुस्तानी आवाम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कि बाय द पीपल तो ज़रूर है लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद वो ऑफ द पीपल या फॉर द पीपल शायद नहीं रह जाती है, और इसलिए जो है इस पे बहुत ही संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक की डेमोक्रेसीज को देख करके ही शायद ऐसा तो नहीं कहा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, और इसी के तहत जो है जमहूरियत जो कभी कभी इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत मॉब में तब्दील हो जाती है और उस मॉब में तब्दील होने के बाद जो छोटे छोटे वोट बैंक जो है जो बनना शुरू हो जाते हैं, इस पर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हम लोगों को जो है बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शंस के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, न सिर्फ ये कि हम अखबारों में और टेलीविज़न पे देखते हैं बल्कि रोज़ाना खुद जो है उसका मुशाहिदा करते रहते हैं, उसका एक्सपीरियंस तजुर्बा भी हमें होता रहता है आए दिन। और इसीलिए जो है इस सोच को लेकर के मुनिस साहब जिनकी
कोशिश ये थी एक सोशल साइंटिस्ट की हैसियत से, एक एजुकेशनिस्ट की हैसियत से, एक बहुत ही कॉन्शियस सिटीजन की हैसियत से कि इन तमाम चीजों पर लगातार सोचते रहते थे। और इसीलिए जो है उन्होंने जिस तरह के शागिर्द भी पैदा किए, उन्होंने इन तमाम मसाइल पर, तमाम इश्यूज पर जो है जिस तरह से सोचा है, समझा है और एक समझ डेवलप की है, उनमें से हमने आबिद हुसैन साहब के बाद ट्रस्ट की उसी मुनासिबत के तहत ट्रस्ट के चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी डीपी त्रिपाठी जी को सौंपी है कि उस पूरे मिशन को जो मुनिस रजा के आइडियल्स थे, जो मुनिस रजा की समझ थी, उन तमाम मसाइल को लेकर के डीपी त्रिपाठी इसलिए और भी बहुत ही मुनासिब इंतखाब हैं कि मुनिस रजा एजुकेशन, पॉलिटिक्स और सामाजिक कंसर्न जो है उनको लेकर के जिस बेहतर तरीके से डीपी त्रिपाठी जी ने मुनिस रजा को समझा और उनके उस मिशन को, उनके उस समझ को जो है आगे बढ़ाने की जिस तरह से कोशिश की है, हम इनके सिपुर्द ये जिम्मेदारियां हैं। और इसीलिए एसवाई कुरैशी जब तक हमारे दरमियान आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, मैं ट्रस्ट के चेयरमैन की हैसियत से डीपी त्रिपाठी जी से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने सदारती कलमात और मुनिस रजा मेमोरियल ट्रस्ट आने वाले दिनों में और उसके क्या क्या प्रोग्राम्स हो सकते हैं उनके बारे में एक अंदाजा जो है वो आपके सामने एक रूपरेखा उसकी रखें। डीपी त्रिपाठी जी, प्रोफेसर हरजीत सिंह और हमारे आज के खास मेहमान जिनका लेक्चर इलेक्शंस एंड इंडियन डेमोक्रेसी पे होगा, याकूब कुरैशी साहब, मेरा ख्याल है जल्दी आ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं अब आ रही कि नहीं, अभी तो ठीक है। तो असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी याद जिंदगी को संवारती है और लगातार बनाती रहती है, सहेजती भी रहती है। हम लोगों के वास्ते मुनिस साहब ऐसी ही शख्सियत रहे हैं। और इसके पहले कि उनके मुतल्लिक मैं कुछ कहूँ, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि अब 5 फरवरी को जो मुनिस साहब का बर्थडे होता है, ये मुनिस रजा मेमोरियल लेक्चर रेगुलरली ये ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज होगा हर बरस 5 फरवरी। ये आपके सामने मैं ऐलान करना चाहता हूं इस ट्रस्ट का। मुनिस रजा साहब से मेरी पहली मुलाकात, मैं तो उनके डिपार्टमेंट का स्टूडेंट नहीं था, पॉलिटिकल साइंस में था, मगर चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव था, एक डिमॉन्स्ट्रेशन में हम लोग उनके घर पे पहुंचे। 7 बजे का वक्त होगा शाम का, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। उनका बरखुदा एक मुजाहरे का वक्त नहीं है, समझा करो इसको, ये सब बंद करो, क्या चाहते हो? बोले साहब वो मिस नहीं ठीक से काम कर रहे वगैरह वगैरह, बोले वो देख लिया जाएगा, छोड़ इसको बैठे। तो फिर उन्होंने हमको वो इकबाल से लेके क्या क्या सुनाया और क्या अच्छा। हमारा और उनका जो रिश्ता था एक पल में इतना मजबूत हो गया, क्यों? कि उन्होंने जैसे ही भोजपुरी में शुरू किया तो मैंने भी शुरू कर दिया भोजपुरी में। हालांकि मैं अवधि इलाके में पैदा हुआ लेकिन भोजपुरी मुझे आती है कलकत्ते की सबर्स पे रहने की वजह से, तो इसलिए हर मौके पे। तो बहुत ज्यादा नहीं, कुछ आपसे कहूंगा कि मुनिस रजा साहब ऐसे महान आदमी थे कि किसी हालत में मैंने उनको कभी भी जरा सा भी ये नहीं देखा कि वो कहीं सहम गए हो, कहीं लगा हो कि क्या हो गया, इस माहौल से डर गए, कैसा भी माहौल, घेराव हो रहा हो, हड़ताल हो रही हो,
बाकायदा वो खड़े हुए किसी का मुकाबला कर सकते थे और बातचीत करके हर मसाइल का हल निकाल देते थे। ये दम मुझे वो नहीं भूलता कि इमरजेंसी का ऐलान हुआ, तब मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, उन्होंने मुझको बुलाया क्योंकि हम लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग कर ली, जेएनयू में यहाँ रमेश भाई बैठे हैं, ये हरजीत सिंह यहाँ पे हैं, सब लोग हैं यहाँ। तो उन्होंने मुझको बुलाया, उस पब्लिक मीटिंग के बाद हम लोगों ने इमरजेंसी को कंडेम किया वगैरह वगैरह, तब तक के बीबीसी ये वो सब आ गए थे। उन्होंने मुझको बुलाया, हमने बरखुर था, ऐसा है अब क्रिकेट मैच खत्म हो गया है, अब असली लड़ाई शुरू हो रही, और असली लड़ाई में ये जो तुम कर रहे हो यहाँ पे क्लब बिल्डिंग में मीटिंग कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। जो हम लोगों की जवानी में होता था जब कम्युनिस्ट पार्टी गैर कानूनी हो गई थी और हम अंडरग्राउंड में थे, कैसे कैसे करते थे, उस तरफ जाना पड़ेगा। पहले तो अपने को बचा के रखो, फिर लड़ाई लड़ पाओ, नहीं तो दिक्कत हो। बीच बीच में फिर हम लोग अंडरग्राउंड हुए, ये सब चला। इस बात की खुशी है मुझे आपसे को ये कहते हुए कि जेएनयू अकेली जगह थी जहां इमरजेंसी के खिलाफ रेजिस्टेंस लगातार चलता रहा, वो रुका नहीं। और उसमें भी जो तमाम लोगों की मदद थी हमारे फैकल्टी मेंबर्स की, उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल मोनिस साहब का था। जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ 11 नवंबर 1975 को, तो मोनिस साहब ने हमको दफ्तर में बुलाया, उनको पता रहा होगा, बोला नहीं उन्होंने, उन्होंने कहा ऐसा है तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मुझको लगा कि साहब ये सरकार मेरा पीछा कर रही है, मेरे चक्कर में अरेस्ट अंडर मिस्टेक इन आइडेंटिटी हो गया जेएनयू में, सब हो गया और मुझको पकड़ नहीं पा रही है, तो लगता है सरकार सीरियस नहीं है। तो मैंने कहा कैंपस में जरा घूम लेते हैं, पैदल चल लेते हैं ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस। बूढ़ी साहब ने मुझसे कहा ऐसा है तुमको क्या करना? हमने कहा कि मुझको वो ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस जाना है, तो मैं यहाँ से पैदल निकल जाऊँगा। उनका ऐसा करो, तुम ये मत करो पैदल, तुम बस में चले जाओ यूनिवर्सिटी के, उसमें नहीं जाना चाहते तो मेरी कार से चले जाओ, पैदल मत जाओ। मैंने उनकी बात नहीं मानी। जैसे ही मैं, अनिल चौधरी यहाँ हैं जो उस वक्त मेरे साथ थे, ये चार पांच लोग मोहम्मद असलम ये सब, तो अनिल चौधरी बिल्कुल सबसे पीछे जो होता मेरे चल रहे। जैसे मैं न्यू कैंपस से बाहर वो सड़क जाती है उस पर मैंने कदम रखा, 60 लोग इधर उधर से कूद पड़े, उन्होंने मुझको पकड़ के एक आदमी ने यहाँ पिस्तौल रखी और कहा यू आर अंडर अरेस्ट। इसके पहले मैंने जैसे उनको देखा ऐसे इशारा किया इन लोगों को, जाओ पीछे चले जाओ। तो बहरा, और मैंने उनसे कहा कि यू हैव वन एंड आई हैव लॉस्ट, लेट्स गो। खैर वो तो अलग किस्सा है, लेकिन आप ये देखिए कि उस वक्त भी मदद ये वगैरह वगैरह ये सब करने के। उसके बाद मैं खैर जेल में पहुंचा तो किस तरह से मुनीस साहब ने 500 रुपया भिजवाया, और उसके बाद हमारी कुछ वो फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कुछ परिवार की समस्याएं थी, उसको किस तरह हल किया वो सब मैं नहीं कहना चाहता हूं। सिर्फ दो बातें मैं मुनीस साहब के बारे में जिक्र करूंगा कि क्या गजब के इंसान थे, जिनसे बार बार मिलने का मन करता था कि आज आप मिले, जितनी देर मिले उतना ही और मिलना चाहिए। ये दो किस्से सिर्फ आपको बताऊंगा, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इलेक्शंस पर, उस पर थोड़ा सा कह के अपनी बात खत्म कर। यह है यहाँ रमेश दीक्षित, हमने राजीव गांधी के साथ काम करना शुरू किया था, तब वो एएससीसी के जनरल सेक्रेटरी थे। इंदिरा जी का इंतकाल नहीं हुआ था, उनका एसेसिनेशन नहीं हुआ था, तो हम और ये मुनीस साहब के पास गए कि आप के लिए ये वक्त मुकर्रर हो गया है, कल 7 बजे शाम का 1 घंटे का वक्त राजीव गांधी ने ये रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग आपको वहां लेके चले। उन्होंने सामने कहा बरखुरदार तुम लोग क्या करते हो, हम लोग उनकी मां के जमाने के लोग हैं, अरे उनको कहो कि
कि उस्तादों के पास भी कभी जाना चाहिए, फिर कुछ शायद सीखने समझने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई मैं बहुत तुर्रम खां हूं, मगर कुछ ना कुछ तो बातचीत होगी। तो अगर राजीव गांधी को मुझसे मिलना है तो उनसे कहो कि यहां आए, मुझे वहां जाना कतई वाजिब नहीं लगता। जहां हमको आज भी याद है कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स की लाइन लगी रहती थी, हम लोगों के पास इसलिए फोन करते थे कि साहब 5 मिनट मिलवा दें, उसमें से कई वाइस चांसलर हुए और वगैरह वगैरह हो गए, किसी का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। तो मेरे साहब ने साफ इनकार कर दिया, नहीं ये नहीं हो। फिर यहां रमेश दीक्षित और हम गए राजीव गांधी को, हमने कहा कि आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या कहा। हमने कहा कि उनको बुलाने की बजाय I said, I think it is proper that you should visit his house. तो उस पर राजीव गांधी की भी एक देखिए कि ये बड़पन था, उसने ये नहीं पूछा कि साहब ये क्या है, क्यों है। उसका no, it's all right. I think he is an elderly person and a professor of eminence. You find out time from him. When is he free? I'll come. तो उसके बाद वो जीप पे राजीव गांधी और अरुण सिंह, हम लोगों ने दूसरे दिन का वक्त लिया, 7:30 बजे शाम का वहाँ गए। और वो असल में अपॉइंटमेंट था 1 घंटे का, लेकिन वो हो गया 2.5 घंटे करीब। ये उसके बाद जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए तो जो उन्होंने 3 मेंबर अपनी एडवाइजरी टीम बनाई एजुकेशन पे, उसमें मोनिस साहब का नाम था। अब एक और किस्सा आपको सुनाई दे, फिर ये आखिरी है जो मोनिस रजा की शख्सियत को बताता है कि क्या था दम, क्या था। मेरा जो लगता है वो आखिर में उनकी जो सबसे मतलब जिन मिस्रों को सबसे ज्यादा पसंद करते थे बुल्ले शाह की, उसका जिक्र तो जरा मैं बाद में करूंगा। लेकिन अब राजीव गांधी ने क्या किया कि उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका भी बदकिस्मती से इंतकाल हो गया, केसी पंत साहब। तो राजीव गांधी साहब ने ये प्रपोज किया वजीर आजम के तौर पे कि मोनिस रजा साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर साहब कतई नहीं चाहते थे कि मोनिस रजा वाइस चांसलर, तो वो तमाम चीजें वगैरह 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 होती रही, चलती रही मोनिस रजा के खिलाफ। तो एक बड़ा भारी सा पर्चा उनके खिलाफ एजुकेशन मिनिस्टर के अप्रूवल से मतलब फॉरवर्डेड टू द प्राइम मिनिस्टर, उसमें उन्होंने अपनी राय वाय नहीं लिखी। तो उसमें ये था कि और चीजें थी, बहरहाल उसमें ये भी था कि मोनिस रजा इज कम्युनिस्ट, फिर नीचे था ही इज अ कम्युनिस्ट। तो हमसे हमको दिखाया प्राइम मिनिस्टर ने, कहा कि क्या राय। हमने कहा साहब इसमें एक चीज लिख दीजिए कि लिस्ट ऑफ एलिगेशंस इज इनकम्प्लीट, और एजुकेशन मिनिस्टर को फिर भेज दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा और अगेन बैक टू योर मिस्चीफ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, टेल मी what is your opinion. I said, Mr. Prime Minister, I do not wish to express any opinion. The stupidity is obvious. So, yeah, why? I said, you tell me, how can a person be communalist as and communist at the same time? Is it possible? So, ye Rajiv Gandhi ko sab unhone usko George ko kaha, PS ko, ki bring the file to. लेकिन उसके पहले एक किस्सा हो चुका था, वो भी बहुत अहम है आपको जानने के लिए, कि जब राजीव गांधी साहब ने बुलाया मुनिस साहब को कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाना है, तो मुनिस साहब ने कहा ऐसा है कि मुझे एक सवाल पूछना है। तो बात जाहिर है अंग्रेजी में हो रही थी, मायने ये था कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स you have not been able to find a single nationalist Muslim to
to be our High Commissioner to Pakistan. Why? बोला जिसका पाकिस्तान पे पहले तो तमाचा होगा फौरन कि हिंदुस्तान का सफीर जो पाकिस्तान में है तो कोई मोहम्मद कोई अहमद कोई ये कोई वो. दूसरी बात उसकी इफिशियंसी, तीसरी बात बैनुल अक्वामी पैमाने पर इंटरनेशनल व्हाट मैसेज इट विल गिव. बहरहाल वो बात. और उन्होंने ये कहा कि वाइस चांसलर से छोड़िए, अगर कोई उसके लिए तैयार नहीं है तो मैं तैयार हूं, तो इस जोखिम को उठाने के लिए मैं तैयार हूं. प्राइम मिनिस्टर को यह बात बड़ी अच्छी लगी. सवाल उड़ा सही था, उन्होंने चाहा कोशिश की, लेकिन जो हमारे स्टेट के भीतर जो उठा हुआ है, अल्टीमेटली द एजेंसीज गेव द आर्गुमेंट कि साहब ये मुसलमान सफीर रखने से वहां दिक्कत यह होगी कि हमारी माइनॉरिटीज को यहां बड़ा खतरा हो जाए, अगर कोई गलती हो गई हमारे हाई कमिश्नर से यहां दंगा हो जाएगा. बहरहाल वो नहीं हुआ. फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप वाइस चांसलरशिप मंजूर कर लीजिए, तो उन्होंने वो कर लिया. तो वो फाइल मंगाई प्राइम मिनिस्टर ने, कॉम्युनलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है, तो उन्होंने उसको कहा साइन कर फौरन उसको भेज दिया. तो किस्सा वो था कि ये मुनि साहब की पर्सनालिटी को बताता है, इसलिए मैं आज वो लेक्चर उक्चर के मूड में नहीं हूँ, कुछ उसको याद कर रहा हूँ और पूरा पूरी तस्वीर मेरे सामने है. तो और हमको तो उन्होंने इतना सिखाया, इतना कुछ, मतलब जो कुछ मैं हूँ उसमें मैं कहूँगा कि मुनि सरदार साहब की बहुत बड़ी अहमियत बनाने में, तो लोगों को बनाती थी तमाम को, यही सब चला. वो हमेशा एक चीज कहते थे कि एक बुल्ले शाह की याद रखोगे तो जिंदगी में कभी तकलीफ ना होगी. और मुझे लगता है कि मुनि सरदार साहब की शख्सियत में ये बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद थी. और वो सब आप लोग जानते हैं उसको, वो कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते. हद टपे तो औलिया, बेहद टपे तो पीर, हद बेहद दोनों टपे उसदा नाम फकीर. अब वो कितना कहें क्या कहें. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशन पर उनका पेपर, वो पेपर की शुरुआत कैसे होती है, वो राही मासूम रजा के नॉवल में जो लिखा गया है, उससे वो शुरुआत होती है. वो अंग्रेजी में उसको लिखते हैं, मगर वो है ये कि कलकत्ता कोई शहर नहीं है, ये हजार हजार काजल भरी आंखों से बहती हुई आंसुओं की लिखी हुई इबारत है. यहां से ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वो शुरू होता है जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उनका पर्चा दिया गया. अब मुनि सरदार पे इतना कहा जा सकता है कि क्या कहूं, इसलिए यही कहूंगा कि जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, मुनि सरदार जैसे लोगों के बारे में ही कहा जा सकता है कि जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हो मगर ऐसे भी. डॉक्टर सईदा हमीद जी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है इलेक्शंस के मुतल्लिक. And I quote, an election is a moral horror. It is as bad as a battle without blood. It is a mud bath for every soul concerned in it. Unquote. George Bernard Shaw. ये तो Great Britain के elections के बारे में था. हिंदुस्तान में तो आप नहीं कह सकते कि बैटल विदाउट ब्लड है, उसमें और भी हैं, उसमें बाद में आऊंगा. मगर एक चीज सोचिए कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में पूरी दुनिया सोचती थी कि पहला इलेक्शन हिंदुस्तान में कैसे, इलेक्शन कैसे करवा पाएंगे, डेमोक्रेसी कैसे करेंगे, इतनी इलिटरेसी है, इतनी पॉवर्टी है, क-
कहते थे कि इस तरह यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देना ये गलत है वो गलत है। मैं बहुत लंबी तकरीर इस पे नहीं करना चाहता। आप देखिए कि पहले इलेक्शन कितने क्रिएटिव आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहां आ रहे हैं तकरीर करने के लिए, याकूब कुरैशी साहब, वो बताएंगे कि इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेसी क्या है। मगर पहले इलेक्शन में 1952 में देखिए 17.3 करोड़ वोटर्स थे और 10.5 करोड़ ने सारी इलिटरेसी पॉवर्टी लाल के बाद वोट दिया, और उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी क्रिएटिविटी थी आप इसको देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन अगर कहीं होता है तो हिंदुस्तान का है। लुक एट दी स्केल ऑफ दैट एक्सरसाइज। 15th लोकसभा में देखिए 71.6 करोड़ इलेक्टर्स रहे 2009 में, वोट दिया 41.7 करोड़। इमेजिन द स्केल ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड try and understand, in India it is not merely the most important instrument of representative democracy, but greatest festival of democracy. ये एक त्योहार की तरह भारतवर्ष में होता है, लोकतंत्र का त्योहार। Elections में look at people's slogans, look at the songs and the folk music that emanate from elections. Look at the strengths of people. There have been many reforms recommended by many committees. But if you look at the, what I call the spontaneous reforms going on through the Election Commission, through the always changing Election Commission and its rules and regulations, those reforms themselves without any constitutional amendment are great strength of democracy, and they indicate the potential of change by the votes of the people, by organizing those votes. Look at from ballot to electronic voting machines. और आपको बहुत ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान अकेला मुल्क है, देखिए डेमोक्रेसी की कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्शन के लिए। शायद आप लोगों को पता ही होगा ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं आया है, हर पॉलिटिकल पार्टी उसको मानती है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन करे, ये कोई इसके लिए लॉ नहीं बना है। ये इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया और ये रवायत जो कन्वेंशन आप कहते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप देखेंगे कि इलेक्टोरल बिहेवियर एज डिफाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन, पहले वन मेंबर इलेक्शन कमीशन होता था, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शंस करवाता था। उसके बाद 16th अक्टूबर 89 को मुझे पता है, उन दिनों राजीव गांधी साहब के साथ में काम करता था, तो बड़ी डिबेट हुई इस पे कि भाई ये वन मेंबर को थ्री मेंबर चुन, उन्होंने कहा कि अपोजिशन, एक तो वैसे ही बहुत अपोजिशन था उस वक्त राजीव गांधी के खिलाफ, द बोफोर्स गन्स वेयर एम्ड एट हिम इन एनी केस, तो अब उसमें कैसे इसको किया जाए, तो हमने कहा कि एक इस पे कंसेंसस बना के इसको करना चाहिए। बहरहाल कुछ लोगों ने फिर भी अपोज किया। थ्री मेंबर इलेक्शन कमीशन हैज इंश्योर्ड ए काइंड ऑफ प्लुरैलिटी एंड एफिशिएंसी आल्सो। भाई इतने बड़े मुल्क में अब 71 करोड़ इलेक्टर्स को आप फर्ज कीजिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले उसको क्या कहेगा, तो थोड़ा तीन इलेक्शन कमिश्नर होने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू ऑफ एसोसिएट विद इक्वल पावर्स, इस वॉज अ गुड proportion, and therefore it was implemented.
उसके बाद आप ये देखिए कि जितने इलेक्शंस हुए हैं बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट अ फ्यू नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स एंड अ फ्यू स्टेट्स अंडर इंसर्जेंसी एंड आई बी फ्रैंक एनफ दो वी आर इन द गवर्नमेंट टू टेल यू वेरी फ्रैंकली वेयर देयर हैव बीन द सो कॉल्ड ग्रेट organized endeavors of counter-insurgency, except these areas, by and large, elections have been free and fair. By and large, there are states where somebody goes for booth capturing, they would lose the election immediately. If they make an attempt in Maharashtra, in Gujarat, in parts of Karnataka, in parts of Tamil Nadu, in Kerala as a state, in several other states I can give these instances. In the areas where there is a militant and at times violent identity politics, there of course there are violations of the electoral laws. The democracy suffers in these areas, but by and large. In Delhi, no one writes about this, that in Mizoram, in India, which was a very troubled state, elections are the cheapest. No political party can use those vehicles. Forget about alcohol. Anyone pasting posters around here and there will lose election. The civil society in that small state has asserted itself, it is a small state, but how inspiring it is that all those candidates from different political parties and independent candidates would be called by the village panchayats and groups. You come and speak, explain your positions. If people have questions, they will ask you questions and you go. This is the mode of electioneering in Mizoram. The cheapest election, where money doesn't play any role. And in the nearby other states, for example, in Nagaland, in Meghalaya, also in Manipur. Dr. Yakub Kureshi has arrived. We welcome the chief, and the chief is speaking. Like being Chief Election Commissioner of India, he is today the Chief Speaker. So I would not, as I was saying, that how you have the cheapest election in Mizoram and other northeastern states. And you know, in a place like Manipur, again no one writes about it. No media has written about it. I once pointed out in the presence of the former Chief Election Commissioner, I think in IIC, there was a get together discussing about elections and other things. I mentioned, I normally don't repeat, but today I have to repeat it. You know, in Mizoram, every political party, all major party, indulge in anti-national activity. You will say, how? See, they all pay money to those insurgent and terrorist groups who are anti-national to ensure that votes are cast in their favor and their workers are not disturbed. This goes on in every election. All parties except CPI, which has some base in Manipur. CPM doesn't have any base. CPI has some base in Manipur. They had once their member parliament also, except CPI. Every political party, including the Congress and the great Bharatiya Janata Party, and we also, we contested elections. We had one MP from Manipur, outer Manipur, in 1999. That is my party, NCP. We all pay money to the terrorists, and no one reports them. No one talks about it. Okay. So that is our media. The less said, the better. There are friends from media, I like them. And finally now, as I said, by and large, elections in India are free and fair. They're great strength of democracy.
Yet, in certain states, the situation is really alarming. And we have to find some ways. And I think Election Commission at different stages has been finding out various methods to control all these adverse effects, unconstitutional methods, undemocratic methods being used in the elections. By and large, they have been trying, but the situation of elections in some states and certain areas is like what again I had said that in a discourse on elections, electoral reforms, in the presence of Dr. Yaqub Qureshi. So I'm again repeating those four lines, and that depicts the negative forces in the electoral process in India. Four lines from the great distinguished Hindi poet Sarveshwar Dayal Saxena. This poem was written in 1972, not today, in 2013, 1972. So what Sarveshwar Dayal Saxena wrote about elections in India, these are the four lines for your kind consideration in this Maurice Radha Memorial Lecture, going to be delivered by Dr. Yaqub Qureshi on elections and Indian democracy. So Sarveshwar Dayal Saxena wrote, and I quote those four lines. Ab laathiyon mein tel mal ke aa raha chunav. Ab laathiyon mein tel mal ke aa raha chunav. Hatyaon ki gali se chal ke aa raha chunav. Ab laathiyon mein tel mal ke aa raha chunav. Hatyaon ki gali se chal ke aa raha chunav. Daulat ke sang uchal uchal ke aa raha chunav. Daulat ke sang uchal uchal ke aa raha chunav. बंदूक में उबल उबल के आ रहा चुनाव. बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी और याकूब कुरैशी साहब जो है वो हमारे दरमियान है. ज्यादा वक्त ना लेकर के इमरजेंसी का जिक्र किया था त्रिपाठी जी ने राही मासूम रजा की एक लाइन के साथ जो मुनीस साहब को बहुत पसंद था. ये शेर इमरजेंसी के ताल्लुक से और हमारी डेमोक्रेसी के ताल्लुक से के इजहारे तमन्ना पर कटती थी जमाने जब इमरजेंसी का जमाना याद कीजिए कि इजहारे तमन्ना पर कटती थी जमाने जब उस वक्त कहाँ थे ये अंदाजे बयां वाले और हम खूने जिगर लेकर बाजार में आए हैं क्या दाम लगाएंगे लफ्जों की दुकान वाले. उस ट्रेडिशन को जो है जिस तरह से इस पूरे मुनीस साहब नहीं बल्कि वो सारे अपने खानदान के तहत और जाहिर है जो जो मुनीस साहब का खानदान जब मैं कहता हूँ तो उसमें उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक करने वाले मुझ जैसे अदना शख्स भी शामिल हैं कि किस तरह से उस कारवां को आगे बढ़ाया है. उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए मुनीस साहब की उन यादों को ताजा करते हुए मैं जहमत दे रहा हूँ याकूब कुरैशी साहब को कि वो आए और हमें अपने लेक्चर अपने ख्यालात से नवाजें. याकूब कुरैशी साहब माजरत खाहूं कि मैं थोड़ा लेट हुआ. ये एक्सपेक्ट किया गया था जब अली जावेद साहब से डिस्कशन हो रहा था कि कौन सी तारीख रखी जाए तो उन्होंने कहा कि मिसेज मुनीस रजा के वापसी से पहले पहले रखी जाए. मैं गया हुआ था स्टॉकहोम. स्टॉकहोम की डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है. वो स्टॉकहोम इस्तांबुल होता हुआ बहरहाल ये रिस्क लिया था कि टाइम से पहुंच पाएंगे कि नहीं. एनीवे मैं हाजिर हूँ और माजरत खाहूं कि थोड़ा मैं लेट हुआ. मैं त्रिपाठी साहब को नहीं सुन पाया क्योंकि बहुत ही ब्रिलियंट स्पीकर हैं, बड़े अच्छे थिंकर हैं. उनके ख्यालात मुझे सुनने का मौका मिलता तो मैं उससे फायदा उठाता. त्रिपाठी साहब, सैयद अली अली साहब, प्रोफेसर सिंह एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, उर्दू में बात करने की इजाज़त चाहता हूँ. मेरे मुनीस भाई से मुलाकात हुई थी 1980-81 में. मैं जब गुड़गांव में डिप्टी कमिश्नर था और वो वाइस चांसलर थे
कौन सी यूनिवर्सिटी है जो नीपा में, नीपा फर्क यूनिवर्सिटी नहीं थी, नीपा में। और उन्होंने एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था कि वहाँ पे दमदमा की पहाड़ियों में वहाँ बच्चों को लेके आते थे और वो कहते थे कि क्लासरूम में टेक्स्ट बुक से सिखाने के बजाय बच्चों को नेचर के पास ले जाके जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, पहाड़ों की, नदी की, तालाबों की, बेस्ट है कि उनको ले जाके दिखाएं। तो वहाँ उनका आना जाना इस सिलसिले में रहता था और मुझे उनसे बातचीत करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। आज उनकी याद में ये एक जो लेक्चर हो रहा है, जैसे अली भाई ने मुझसे लेक्चर किया, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे मेरे मैंने मेरी इज्जत अफजाई हुई कि उन्होंने मुझे इस मकसद के लिए चुना। और सब्जेक्ट भी जो उन्होंने चुना वो आज के लिए, वो अलग एक पिछले 40 साल के सिविल सर्विस में हमने हर किस्म के जॉब्स की हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ कम इंटरेस्टिंग, लेकिन ये एक अपनी तरह की एक वो है जिसमें सबको दिलचस्पी है क्योंकि सबसे की जिंदगी को ये छूती है। आज जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो एक बहुत की इशू हो गया है लोगों की डिसीजन मेकिंग में। एक जमाना था कि सरकारें बदलती थी, लोग वोटर पॉलिटिशियन बता देंगे, वोटर बड़ा अनग्रेटफुल होता है कि तभी कर लो, वो उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन अब देखने में यह है कि गवर्नेंस अगर अच्छी उसको मिल जाए तो वो उसका रिवॉर्ड करता है। यही वजह है कि सेकेंड थर्ड टर्म तक लोगों को चीफ मिनिस्टर्स को मिलती जा रही है। लेकिन ये गवर्नेंस के पीछे जो पीपल्स मैंडेट है वो एक सेंट्रल चीज हो जाती है। अब देखना यह है कि वो मैंडेट फ्री एंड फेयर माहौल में मिला है कि नहीं, क्योंकि इस मैंडेट से इंटरफेयर करने की पूरी कोशिश की जाती है। थोड़ा बहुत जो त्रिपाठी साहब की स्पीच में सुना कि जो तेल लगा के लाठियां निकाल के बाहर आते थे, वो फिनोमिनन अब इलेक्शन के दौरान तो नहीं चलता, न चल सकता है, लेकिन वो हकीकत है कि हमने खुद देखा, आप सब ने देखा कि जैसे जैसे शुरू शुरू में जो वन पार्टी रूल होता है, ये मैंने दुनिया भर का तजर्बा है क्योंकि कई जगह हमें जाने का इत्तेफाक होता है। कल ही बल्कि स्टॉकहोम के कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र आ रहा था कि साउथ अफ्रीका में 3 तीसरा इलेक्शन जब हुआ, मैं पिछले साल उसका ऑब्जर्वर था, तो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था उन्हें कि साहब देखिए हमने तो तीसरा अच्छा इलेक्शन कर डाला। पहला तो जरूर टेस्ट होता है कि आफ्टर कन्फ्लिक्ट अगर डेमोक्रेसी आती है वो इलेक्शन कैसे कर पाएंगे, वो टेस्ट उन्होंने पास किया था। फिर दूसरा तीसरे के बाद मैंने कॉम्प्लेसेंसी एंड ओवर कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस देखी। मैंने उनकी कमीशन को फौरन आगाह किया कि अभी आपका इलेक्शन का इम्तिहान शुरू नहीं हुआ है, अभी तो वन पार्टी रूल चल रहा है, जिस वक्त ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, दोनों पार्टीज को बराबर का चांस होगा या दो से ज्यादा को चांस होगा, जब आप देखिएगा कि क्या क्या हरकतें ये की जाती हैं। फिर नो होल्ड बार, कोई एफर्ट नहीं छोड़ी जाएगी, कोई बेमानी का कोई ट्रिक इन द ट्रेड ऐसी नहीं होगी जिसको ये छोड़ेंगे। हमने देखा कि पहले गुंडों का इस्तेमाल करते थे और पैसे वालों से पैसे लेते थे, फिर इन गुंडों ने और पैसे वालों ने सोचा कि अगर हमारे बलबूते पे ये इलेक्शन जीतते हैं तो हम खुद ही क्यों ना लड़ लें और खुद ही रिस्पेक्टेबल हो जाए। इस तरह वो पॉलिटिक्स में आने चले। हमें याद है कि एक साहब थे जिनके दिल्ली में उनके कैबरे के लिए बार बार उनके रेड पुलिस रेड होते थे, वो पुलिस उनके तलाश में रहती थी बंदूक लिए हुए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसी तरह एमएलए बन गए हरियाणा में, वो भी पुलिस उनको घेरा बांध के उनकी प्रोटेक्शन में लग गई। कैसे स्विच ओवर जैसे हो गया उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी में, ये हमारे सामने की हकीकत है। फिर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश, ये तेल वाली लाठियां ले लेके, चाकू छुरी लेके, बम लेके, मुझे याद है 1996 में मैं ऑब्जर्वर था बिहार में लालू जी की कॉन्फ्रेंस, बहुत हमारे इलस्ट्रियस सेशन था उसकी इलेक्शन का। उन्होंने हमको जब ब्रीफिंग के बाद हमको रीअश्योर किया कि आप लोग घबराना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग विल हैपन एक्सेप्ट बुलेट थ्रू योर स्टमक एंड बॉम्ब ऑन योर फेस, कुछ नहीं होगा, एक गोली आपके पेट में निकल जाएगी, आपके मुंह पे बॉम्ब फट जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करो। तो वो भी हकीकत थी। और फैक्ट ये है कि हमने दो छोटे छोटे बम बिल्कुल जैसे
यहाँ कैमरा जहाँ खड़ा हुआ है किसी फासले पे पटते पे भी देखे, वो जमाने भी थे बट नॉट एनी मोर. अब हिम्मत नहीं है क्योंकि हमारी मशीनरी इतनी एक्सपीरियंस हो गई, वेल ऑयल हो गई कि इस किस्म के हरकत की गुंजाइश नहीं है. लेकिन दो प्रॉब्लम हैं जो अब सामने उभर गए हैं, एक तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, दूसरा मनी पावर. Now, ये चाहे क्रिमिनल्स हो और मनी पावर है, ये सब इलेक्शन प्रोसेस और फ्री एंड फेयर मैंडेट से जरूर इंटरफेयर करते हैं. अब देख रहे हैं कि क्या सिस्टम इसके लिए तैयार है, इक्विप्ड है कि नहीं. आजकल आपने देखा गुड गवर्नेंस सबसे बड़ा वोट कैचर हो गया है, और कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं एक रुपये में चावल दूंगा, दूसरा 50 पैसे में दूंगा, तेरे को फ्री होगा. वॉर ऑफ द मैनिफेस्टो देख शुरू हो गई. पहले मैनिफेस्टो को पढ़ता भी नहीं था, लेकिन अब मैनिफेस्टो का इंतजार होता है कि उसमें क्या क्या चीज प्रॉमिस की जाएगी. वोटर हैज बिकम द किंग, और इसमें कोई शक नहीं. वॉर ऑफ द मैनिफेस्टो के ऊपर आजकल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई 10 दिन पहले कि ये मैनिफेस्टो बहुत ऑब्सीन हो गए हैं, बहुत घटिया काम हो रहा है. इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सारे पार्टीज को बुला के मीटिंग करके एक गाइडलाइन बनाए. तो सारी पार्टीज को बुलाया गया, आई एज एक्सपेक्टेड उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. अच्छा प्रपोजल को वो रिजेक्ट कर ही देते हैं. तो लेकिन फैक्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये गैर कानूनी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. मेरी राय भी ये है कि मैनिफेस्टो इज ए लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट. अब उसमें आप सड़क और बिजली और स्कूल अस्पताल प्रॉमिस कर रहे हैं, या फ्री टेलीविजन या साइकिल या वॉशिंग मशीन कर रहे हैं, ये मैटर ऑफ डिटेल है. लेकिन यह बात भी ठीक है कि अगर ये बिल्कुल ही रिडिकुलस लिमिट्स पे ये पहुंचने लग जाए तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है. और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज को हाईलाइट किया था, ये गैर कानूनी नहीं है लेकिन बहुत घटिया और भद्दी बात है, और एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी चाहिए. इससे पहले कि मैं आज की हकीकत, जिसका त्रिपाठी साहब ने कहा था कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें फख्र करना चाहिए. सबसे पहले तो हमारा साइज, लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट तो ऑफकोर्स ये रिडिकुलस है. लार्जेस्ट बट लार्जेस्ट बाय वॉट? हमारे 73 करोड़ वोटर पिछले इलेक्शन में थे, उसी स्टेटिस्टिक से चलूंगा अगर अगले इलेक्शन तक भी होना बाकी है. 73 करोड़, ये यूरोप के पूरे 50 देशों के वोटर ही नहीं, पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे वोटर थे 50 देश. अफ्रीका के 54 देशों को सारा को मिला लीजिए उससे ज्यादा, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के 43 मुल्क मिला लीजिए उससे ज्यादा, सारा कॉमनवेल्थ 52 कंट्रीज मिला लीजिए उनसे ज्यादा, ये इंडिया का वोटर. और इस दूसरी चीज कि इसकी जो स्केल अगर आप देखें, 8.5 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन थी, 12 लाख के करीब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उनको मोबिलाइज करना, उनको टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, 1.1 करोड़ पर्सनल इलेक्शन कंडक्ट करते हैं. ये नहीं, ये तो मुल्कों की आबादियों से ज्यादा तो हमारे वर्कर होते हैं. 11 मिलियन लोगों ने इलेक्शन किया, और ये हम इनको कैसे चुनते हैं? क्योंकि ये पक्षपात वाले नहीं होने चाहिए, सरकार पॉलिटिशियन से मिक्स्ड अप नहीं होने चाहिए. हम इनके पहले से डॉसियर तैयार करने शुरू करते हैं, फिर जब लॉन्ग लिस्ट में से शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि ये लोग डिपेंडेबल हैं, दबाव में नहीं आएंगे, और फिर हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं. क्योंकि हमको उनसे 0 एरर इलेक्शन चाहिए. ये नहीं कोई भी एफर्ट होती है कि भाई 60% कामयाबी होगी तो बहुत अच्छा, 70% होगी तो बहुत ही अच्छा. हमारे लिए 100% कामयाबी से एक शॉट नहीं चलेगा. बिजनेस इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि लास्ट माइल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप फाइबर ऑप्टिक डालनी है, टेलीफोन की लाइन डालनी है, शहरों में डाल देंगे, जब जंगल में जाना पड़ेगा तो नानी याद आती है तो फिर वो डंडी मारते हैं कि वहां नहीं छोड़ेंगे, कोई को बहाना करेंगे, पहुंचते नहीं है. हमारे लिए लास्ट माइल ही नहीं, लास्ट इंच, लास्ट आदमी, लास्ट पर्सन इंपॉर्टेंट है कि उस तक वोट पहुंचनी चाहिए.
पथ की हम करते हैं। इसमें एक तरफ तो साइंस की बात करते हैं, साइंस तो अब आप कहेंगे इंडिया में है इतने लोग तो व्हाट इज द बिग डील, है इतने, लेकिन इस सब में आप देखिए कि जो इतने वोटर्स ही नहीं बल्कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ 50 मुल्क, वहां की हर एक प्रॉब्लम, हर किस्म की प्रॉब्लम यू नेम इट, हमारे इंडिया में वो मौजूद मिलेगी। मिलिटेंसी, सेपरेटिज्म, गुंडागर्दी, एवरीथिंग। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ एक पोलिंग स्टेशन है जिसमें सिर्फ एक ही वोटर है, उसको भी हम उतनी रेस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। 2 साल पहले तक केरला में भी इसी किस्म का एक सिंगल वोटर बूथ था, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी थी कि वो खाना पीना लंच वंच करके 2 बजे आता था। लेकिन हमारा पोलिंग स्टेशन सुबह से शुरू होना चाहिए 7 बजे, क्योंकि कानूनी पोलिंग स्टेशन है तो कानून की पाबंदी करेंगे। 2 बजे वो वोट दे कि चला जाए, उसके बाद भी हम पोलिंग स्टेशन नहीं बंद कर सकते थे, क्योंकि लीगली कानूनी तौर पर अगर कोई आके कहे कि वो बोगस वोटर था, असल वोटर तो मैं हूं, तो एक डिस्प्यूटेड वोट है, तो उसके इंतजार में कोई कोई डिस्प्यूट करने आए तो 5 बजे तक खुला रखते हैं। 2 साल पहले जब वो गुजर गया तो अखबार ने हेडिंग दी डेथ ऑफ अ पोलिंग बूथ, उसको हम मौन कर ही रहे थे कि हमें एक और बूथ नजर आया। ये गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात जहाँ के लायंस मशहूर है, रियल डेंजरस फॉरेस्ट, वहां पे एक टेम्पल प्रीस्ट रहता है, उसके लिए एक बूथ है। बल्कि एक एडवेंचरस जर्नलिस्ट आई थिंक टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स के कोई रिपोर्टर वहां पहुंचा तो उसने शिकायत की कि मुझसे कोई वोट मांगने नहीं आता ना, ये बहुत बड़ी गलती है। और कितनी बड़ी गलती है इसके लिए चलिए अक्रॉस द बॉर्डर टू राजस्थान मिस्टर सीपी जोशी से पूछते हैं, तो पार्टी साहब के दोस्त हैं। सीपी जोशी साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे राजस्थान के, और ये मशहूर था कि अगर वो जीतेंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो एक वोट से हारे, एक वोट से। और ये इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि वो वोट उनकी बीवी का था, वो वोट देने नहीं गई थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एवरी वोट काउंट्स। अनदर मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट टेक योर वाइफ फॉर ग्रांटेड। आप कैंपेनिंग में हमारा ब्राइबिंग ऑफ वोटर्स पे पूरा इलेक्शन कमीशन ध्यान देती है, लेकिन ब्राइबिंग योर वाइफ टू वोट उस पे हम आई एश्योर यू कि हम बिल्कुल कुछ आपत्ति नहीं करेंगे। उनसे मैंने पूछा कि क्या ये फैक्ट है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये फैक्ट है कि उनकी वाइफ और उनकी डॉटर उस दिन मंदिर चले गए थे। तो थर्ड मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑन द डे ऑफ पोल The temple of democracy should take precedence over every other temple. अब ये देखिए कि the size ही नहीं, इसका the magnitude, complexity, sensitivity, इस हद तक Indian Election Commission तो देखता है। अब geographical diversity, the most diverse country in the world is India. Geographically, ethnically, हर दुनिया का हर मजहब यहाँ मौजूद है, हर किस्म की problem आपको यहाँ मिलेगी, snow clad mountains and वही हॉट डेजर्ट एंड आइलैंड्स। हमारा पोलिंग बूथ एक वही पोलिंग बूथ है जो इंडोनेशिया के ज्यादा करीब है, इंडियन मेनलैंड से ज्यादा दूर है, वहां भी उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए जितने कनॉट प्लेस के बूथ में होनी चाहिए, एंड वी डू ऑल दैट। तो इसमें जो पर्टिकुलरली डाइवर्सिटी वाले कंट्री में सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वी हैव टू मेक श्योर नंबर वन इट शुड बी इंक्लूसिव, किसी को कोई महरूम न रह जाए और उसको ये फील ना हो कि उसके साथ इसमें ज्यादती की गई। तो ट्रांसपेरेंसी का होना, पार्टिसिपेशन, ये हमारे कीवर्ड हैं। आपको एक और भी अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि जब 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन चुना, औरतों मर्दों को 21 साल के जो थे उनको इक्वल वोटिंग राइट स्ट्रेट अवे। वन वेस्टर्न वर्ल्ड हैरान था इंडिया को पे कि ये पागल हो गए हैं, 84% इलिटरेसी, 565 प्रिंसली और अदर स्टेट्स में डिवाइडेड कास्ट, कम्युनली डिवाइडेड बहुत, और कहेंगे ये डेमोक्रेसी चलाएंगे, दिमाग खराब हो गया। लेकिन इन सबको इंडिया ने गलत साबित करके दिखाया कि इन्होंने डेमोक्रेसी चलाए, खूब चलाए। मैंने बताया कि 21 साल के मर्द और औरतों को इक्वल वोटिंग राइट दिया गया,
आपको मालूम है अमेरिका ने जो ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ है उतने कितने दिन में औरतों को बराबर हो गया था, 144 साल। मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी यूके ने 100 साल। यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमल्गेटेड ऑन 26 जनवरी बट आर्टिकल अबाउट इलेक्शन कमीशन वर प्रोमल्गेटेड 6 वीक्स बिफोर दैट। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का इतना उसमें विजडम था, इतना एम्फेसिस था अच्छे इलेक्शन इलेक्शन मशीनरी पे। बल्कि एक और भी डिबेट थी, त्रिपाठी जी ने तो इस पर पूरी किताब निकाली थी, ये याद होगा कि ये स्टेट्स के इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कैसे करे, ये तो फेडरल सब्जेक्ट है, वैसे भैया फेडरल कंट्री और स्टेट इलेक्शन तो स्टेट करे। लेकिन हमारे बहुत ही वाइज फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पर डिबेट करके कहा, कह लेंगे अगर हमने ये स्टेट पे छोड़ दिया तो कभी अच्छा इलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर बंगाल में बंगाली के अलावा, तमिलनाडु में तमिल के अलावा, आंध्रा में आंध्रा के अलावा किसी को वोटर बनने ही नहीं देंगे। इलेक्शन से पहले इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाया करेगा, इलेक्शन मैनिपुलेट हो जाएगा इलेक्टोरल रोल को कैप्चर करके। इस वजह से एक फेडरल इलेक्शन कमीशन बनाए गए, सुप्रीमली एंड फियर्सली इंडिपेंडेंट। आई थिंक दिस वॉज ए मास्टर स्ट्रोक। उस वक्त ये भी था कि क्या इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करें, लेकिन फंडामेंटल राइट में कहते हुए एक अच्छा इलेक्शन को मैटर ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के में आई एम स्किपिंग डिटेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सात फैक्टर्स हैं जिसने इलेक्शन ऑफ इंडिया को इतना क्रेडिबल बनाया। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि मैंने कहा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट और एमपी, उन्होंने जो इलेक्शन लॉज बनाए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ी एक इलेक्शन कमीशन को खूब पावर और साफ सुथरा इलेक्शन सिस्टम पैदा किया। फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कितनी जजमेंट है जिससे इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ मिली। एक जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के अपने खिलाफ ही थी शुरू में, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा एवरी कोर्ट इज डिबार्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं कि किसी ने कोई चला गया कि हाँ जी इलेक्शन स्टे कर दो, यहां पर बोला इलेक्शन तो कभी हो ही नहीं पाता। उन्होंने कहा कि द मोमेंट इलेक्शन प्रोसेस इज इन मोशन नो कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर। कोई पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, सुप्रीम कोर्ट ने और स्ट्रॉन्गर टर्म में कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, कोई अदालत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी, इलेक्शन के बाद बात करेंगे, इलेक्शन पिटिशन में आइए उस पर देखेंगे, लेकिन वंस प्रोसेस इज दैट इलेक्शन कमीशन इज द लास्ट वर्ड। फिर मीडिया, मीडिया को अक्सर क्रिटिसाइज भी करते, लेकिन मीडिया हमारे आम आईज एंड ईयर्स, हमारे आम से हमारे अलाइन है। कई बार किसी इसी ने चैलेंज किया कि था तो ट्रायल बार मीडिया हो रहा है, हमारे रिलेटेड एक आध केस में नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, तो उस पर हमने अपनी जजमेंट में लिखा कि हमारे लिए ये ट्रायल बार मीडिया वाला क्ली नहीं चलेगा, मीडिया तो हमारे अलाइज है, हमारे आइज एंड ईयर्स है, क्योंकि हमने पिछले जनरल इलेक्शन में 400,000 के करीब वीडियो कैमरा फील्ड में भेजे कि कैप्चर करो क्या हो रहा है, कोर्ट की वायलेशन हो रही है, किस तरह की कैंपेन हो रहा है हमको दिखाओ। वो चीज अगर हमको मीडिया दिखा रहा है अपनी चैनल पे तो हमको और क्या चाहिए, हम यही तो हम देखना चाहते थे। बल्कि एक बड़ा फेमस केस वरुण गांधी वाला, लेट मी नेम इट, कि इस पीए हमको 12:30 बजे रात को राजीव से देसाई को फोन आया कि सर आपने देखा उसकी स्पीच, हमने तो नहीं हमने नहीं देखी, कहेंगे अभी 5 मिनट वेट कीजिए मैं अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ, तो चैनल पर दिखी। तो हमने कहा भाई सीडी भेज दो, 8 बजे सीडी आ गई, हमने इमरजेंसी मीटिंग की और जो हमने उसको डिटेल में देखा तो वाकई वो तो आपत्तिजनक थी, उसके बाद जो एक्शन हो वो आप लोगों को मालूम है। फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोसेस को एकदम मजबूत करने वाले एक फिरका जिसको हम लोग गाली ही देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी नेता, सब नेता चोर है, सब नेता चोर है स्लोगन इतना जो बड़ी जो बहुत डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए, कि हाउ यू कांट हैव डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिशियंस, इफ यू पेंट देम ऑल ब्लैक देन व्हाट डू यू वांट। अगर आप देखें पड़ोसी मुल्कों में स्टैंडर्ड पैटर्न है, पॉलिटिशियन के खिलाफ मुहिम शुरू होती है, सब चोर है सब चोर है सब चोर है, बेईमान है, ईमानदार को लाओ, ईमानदार कौन आता है, आर्मी बहुत ईमानदार आ जाती है,
ईमानदारी इन्फोर्स करने, फिर जब उनसे मुतनफर होते हैं तो फिर दोबारा फिर पॉलिटिशियन को मौका देते हैं। तो ये पॉलिटिशियन को बुरा पेंट करना ये खतरनाक है। हालांकि लेकिन पॉलिटिशियन को भी सोचना चाहिए कि अगर नाम इनका बदनाम है तो ये बदनामी इनको कैसे मिली, किसने दी, अगर इन्हीं के करतूतों से है तो उसको इन्हें खुद ठीक करना चाहिए। दूसरी जो सीनियर संजीदा पॉलिटिशियन है उन्हें सोचना चाहिए कि भाई घटिया लोगों की वजह से हमारे नाम भी बदनाम हो रहा है, तो ऐसे लोगों को आइसोलेट करना जरूरी होता है। आप देखिए हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनने के दरवाजे पे आ गया, कैसे मुमकिन हुआ? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, वेरी वाइज पॉलिटिकल लीडरशिप। यू ब्यूरोक्रेसी थोड़ी कर सकती है ये चीजें। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी अच्छी थी, अभी अच्छी है, लेकिन जो बैड एलिमेंट्स हैं, बैड एग्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड। पॉलिटिकल पार्टी का क्रेडिट क्यों इतना मैंने इसे लेकर किया कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है ये एक ऐसी डिवाइस है कि वो दुनिया में कहीं कमी पाई जाती है। ये एक सेल्फ इम्पोज कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो पॉलिटिकल पार्टी ने खुद अपने लिए बनाया है। इलेक्शन क्या है, इसमें मोटी मोटी बातें, कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई पर्सनल अटैक नहीं करेगा, यहां तक कि मर्डरर को मर्डरर भी, खूनी को खूनी भी नहीं कहेगा। आपको याद है मौत का सौदागर वाला वो जो था, वो इसी हमारे सामने जब आया कि भाई इसमें क्या बात है, तो ये अल्टीमेटली कानूनी इंटरप्रिटेशन आई कि हम तो खूनी को खूनी भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये पर्सनल अटैक की कैटेगरी में आएगा, नहीं होगा। रेबल राउजिंग नहीं कर सकता, कास्ट कम्युनिटी के नाम पे वोट नहीं मांग सकता। तो ये इतना अच्छा मॉडल कोड है। आपने देखा होगा पिछले दो चार साल में कोई हेट स्पीच देखी आपने, खत्म, क्योंकि ये इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप नेता इस बारे में इतने सेंसिटिव है कि जस्ट द थॉट ऑफ ए नोटिस कि अगर किसी नेता को इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी चला गया, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट न्यूज होती है नोटिस इश्यू, और उनकी बैलेंस करने के लिए वो बहुत काफी होता है। सदा हम कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ हम उनको वार्निंग दे देते हैं, सेंश्योर कर देते हैं, आगे ना करना, चेतावनी, ऑल दैट वी डू इज देयर, लेकिन उसकी मॉरल स्ट्रेंथ इतनी है कि लोग उसको मॉडल कोड को मॉरल कोड कहने लगे हैं। दूसरा आप लोगों का फेवरेट व्हिपिंग बॉय ब्यूरोक्रेसी, उसने भी इंडियन इलेक्शन को इलेक्शन बनाया, जिसको आप इनएफिशिएंट, लेजी, करप्ट के नाम से जानते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी बाबू कहते हैं। इंडिया एक वो रेयर कंट्री है जहां पे सारे इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी ही करती है। ये भी वेस्टर्न वर्ल्ड को तो बिल्कुल नहीं समझ में आता, वो हैरान होते हैं कि हाउ कैन ब्यूरोक्रेसी बी न्यूट्रल, ब्यूरोक्रेसी तो सरकार के हुक्म मानती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी प्रोफेशनल है, सरकार बोलो सरकारें आती जाती रहेंगी, ये परमानेंट है। और एक प्रैक्टिकल रीजन भी है, एक ब्यूरोक्रेट बेमानी करेगा तो जाएगा कहां, 35 साल तक उसकी गर्दन हमारे हाथ में, उसके रिपोर्ट तरफ खराब करेंगे, उसकी प्रमोशन रुक जाएगी। तो इसलिए एक ऐसा डिसिप्लिन तो ब्यूरोक्रेसी इसको इलेक्शन को कामयाब बनाने में सबसे एक मेन प्लेयर है। एंड फाइनली द पीपल, द वोटर, हिंदुस्तान का वोटर कितना भी अनपढ़ गांव वाला देहाती आप समझे, वो बहुत वाइज है। किसी भी हारे हुए पॉलिटिशियन से पूछिए बता देगा कितना वोटर स्मार्ट है इंडिया का। नाउ इसमें जो हमारे एक दो कमियां हम महसूस करते चले आ रहे थे, क्रिमिनलाइजेशन और पार्टिसिपेशन। जब मैंने चाय किया था उस वक्त मैंने अपने इसमें दो टास्क लगाए थे कि मैं इन दो को एड्रेस करूंगा, मनी पावर और लैक ऑफ पब्लिक एपेथी। शहरों में 25-30% पार्टिसिपेशन होता है, उसकी वजह से एक बड़ा ये क्वेश्चन होता है कि यह क्या हमारी डेमोक्रेसी का ये सिस्टम ही फ्लॉड है। आपने सुना होगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों ना बदल दिया जाए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब ये कि जो विनर टेक्स इट ऑल, चाहे एक वोट से जीत गया तो जीत गया। अब वो अब अगर एथलेटिक में देखिए, अगर 100 मीटर की दौड़ है, 15 लोग दौड़ रहे हैं, जो पहले पहुंच गया और एक पीछे जो स्प्लिट सेकंड है उसका नाम को कभी कोई नहीं जानेगा, जितने जो पहले पहुंच गया दैट इज द रूल। सो ये इंग्लैंड में भी ये सिस्टम है, बहुत सारे मुल्कों में ही है। तो इसको भी चैलेंज करते हैं क्योंकि लोग टर्न आउट बहुत कम होता है। अब 30% टर्न आउट हो और 20 कैंडिडेट में अगर वो वोट बटे हुए हों, जीतने वाले को मिले 22%, हारने वाले को जो जितना भी तो कहते हैं 22% पे जीत के आ गया, 78% लोगों ने तो उसको वोट नहीं दिया। फिर तरह तरह के सुझाव आते कि सिस्टम बदल दो,
या ये कि आप रन ऑफ इलेक्शन क्यों नहीं कर लेते कि सेकेंड राउंड जो टॉप टू में कर लीजिए ताकि 50% प्लस वन वोट उसको मिल जाए ना, वो रन ऑफ कर कह देना आसान है रन ऑफ, अब किन किन हालात में कहाँ कहाँ वो जाके इलेक्शन करना था, माओइस्ट बेल्ट में हम जाइए, कौन इलेक्शन कराता है, हमारे बहन भाई, हमारी टीचरें, अब ये आप इनको माओइस्ट एरिया में आप भेज दीजिए और आप कह दीजिए 5 दिन तक सेकेंड राउंड के लिए आप रुके रहिए क्योंकि कुछ लोग सेमिनार में ये डिमांड करते हैं, इज नॉट पॉसिबल। सो और दूसरी ये कि अगर सेकेंड राउंड में आप कर भी दीजिए तो 52% वाला 52 हो जाएगा, 18 वाला 48 रह जाएगा, तो वो गधा घोड़ा तो नहीं बन जाएगा, कैंडिडेट तो वही। तो इसके लिए हमने एक वोटर एजुकेशन की डिवीजन बनाई और एक कैंपेन चलाया। अक्सर हम पे ये इल्जाम लगता था जैसा आपने तो शक्ति इतनी करते हैं, जैसा वो कोई लाउड स्पीकर नहीं चल रहे, गाड़ियों की रैली, हजार हजार गाड़ियों की रैली थी, बंद कर दी आपने तो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को का मर्डर कर दिया, आज यहाँ तो साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड हो गया। एक बहुत इम्पोर्टेंट टीवी जर्नलिस्ट जो अखबार में भी लिखती हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हिंदुस्तान टाइम्स में किसी तरह उनको बुरा भला कहते हुए कि आपने फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को मार दिया। मैंने उसके जवाब में आर्टिकल लिखा, मैंने कहा कि मैडम आप मुझको अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं नेताओं को वो एड्रेस पास ऑन कर दूंगा, फेस्टिवल आपके घर पहुंचाएगा, आपकी दीवार पे काले हर उन रंगों में रंग स्लोगन रंग दिए जाएंगे जो आपको पसंद नहीं है, फिर आप बाद में साफ कराते रहिएगा, पोस्टर चिपका दिए जाएंगे, झंडियां जबरदस्ती आके लगाएंगे, लाउड स्पीकर आपके घर के बाहर लगा रहेगा, सामने पब्लिक मीटिंग होती रहेगी, इफ दैट इज द फेस्टिवल यू वांट वील से नेक्स्ट यू, बट दैट नॉट द फेस्टिवल। अब हमने पिछले जब से ये डिवीजन बनाई 14 स्टेट में इलेक्शन हुआ, हर एक में हाईएस्ट टर्नआउट इन 60 ईयर्स हिस्ट्री, हर जगह बिहार से शुरू हुआ था और यूपी ने तो कमाल ही कर दिया, पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस इलेक्शन में 30% इजाफा वोटर टर्नआउट में, 2% उधर ज्यादा इजाफा तो हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि गिरा नहीं, यहां 30% इजाफा। और दूसरी चीज ये इन 14 के 14 स्टेट में औरतों का टर्नआउट मर्दों से ज्यादा, विच इज ऑल्सो रिमार्केबल, हालांकि मर्द औरतों की तादाद इंडिया में मर्दों के मुकाबले में कम है, 940 जेंडर रेशियो इज एडवर्स विच इज ए सैड स्टोरी इन इटसेल्फ सेपरेटली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आके ज्यादा से ज्यादा वोट दिए, 45% इंक्रीज इन टर्नआउट ऑफ वुमेन, कुछ स्टेट्स में तो अब त्रिपुरा में 93% टर्नआउट हुआ। लोग दूसरा सजेशन ये देते थे कि साहब आप कंपल्सरी वोटिंग होनी चाहिए, बड़े बड़े सीनियर नेताओं ने यह सजेशन दिया है कि कंपल्सरी वोटिंग होनी चाहिए, फौरन हमने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंपल्शन डेमोक्रेसी के साथ नहीं चलता, योर राइट टू वोट इंक्लूड योर राइट नॉट टू वोट। Secondly, there is a practical reason. After all, we are not a banana republic, we are a civilized society. If you do not vote when the voting is compulsory, you will be punished. Ab wo punishment agar wo 1 rupiya bhi fine hoga, lekin due process of law to hoga, aapko notice diya jayega, aap sabse sawal jawab honge, uske baad faisla kiya jayega ki aapne jan ke kanun ki violation ki, to fine hoga. अब पिछले इलेक्शन में 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया तो 30 करोड़ कोर्ट केसेस शुरू हो जाएंगे, 30 करोड़ अब 1,60,00,000 केसेस पेंडिंग है, उसमें सब चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब चिंता जाहिर करते हैं कि देखो इतनी टेंडेंसी हो गई, और हर इलेक्शन के बाद तो 5 साल में 3 इलेक्शन तो होते हैं, हर बार हम 20-30 करोड़ कोर्ट केसेस और ऐड कर देंगे, वकील लोग बहुत खुश होंगे लेकिन बाकी सबका तो इसमें परेशानी। हमको बताया जाता है कि साहब ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मैं पूछा, उन्होंने कहा साहब $50 फाइन है जिसको रिकवर करने के लिए $2,000 खर्च होते हैं, और इस फाइन और कंपल्सरी के बावजूद उनके टर्नआउट है 90%, हम त्रिपुरा में 93% पे पहुंच चुके हैं, 80-85 पे तो कई स्टेट में पहुंच चुके हैं, तो बात क्या की जा रही है इसमें, हमारे वोटर एजुकेशन में लोगों ने पार्टिसिपेट करके फेस्टिवल किया, एक बाराबंकी में 115 किलोमीटर की ह्यूमन चेन लोगों ने बनाई, बुलंदशहर में पूरे स्टेडियम में औरतों ने रंगोली बनाई और नए नए स्लोगन के, चूल्हा चौका जब ही जलेगा पहले अपना वोट पड़ेगा, किसी तरह के स्लोगन बनाए, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी पीपल सेंट्रिक एंड विच इज वाई आई टर्न आउट।
फिर हमारी कोशिश ये कि हर स्पेशल नीड के कोई बच्चा न रह जाए, सिंबल इसलिए शुरू की गई थी ताकि इलिटरेट देख सकें, औरतों के लिए इलेक्शन कमीशन इज ऑलवेज लर्निंग एंड इनोवेटिंग. अब वुमेन्स पार्टिसिपेशन में एक सिंपल सी चीज, हम लोग रिव्यू कर रहे थे औरतों का प्रोग्राम, तो एक कैजुअली मैंने सीईओ यूपी को कहा कि ऐसा करना कि जो औरतों की क्यू अलग है उसको के लिए जरा सा रूल बदल देते हैं कि अगर एक मर्द पोलिंग स्टेशन में जाएगा तो उसके अगेंस्ट दो औरतें पोलिंग स्टेशन में जाने दीजिए, इनकी क्यू डबल फास्ट चलनी चाहिए. उसका इतना हमने तो कैजुअली कह के चले गए, भूल भी सकते थे कि कह दिया, वो इतने इम्प्लीमेंट कर दिया, इतनी फास्ट औरतों की क्यू चली कि वो क्यू दिखती नहीं थी. वो घर जाके जब वो अपनी पड़ोसन को कहेगी कि भैंस बहुत अच्छा है वहां, तो कोई झगड़ा भी नहीं, पीस भी है और बहुत तेज चल रही, कोई वेट भी नहीं करना पड़ा, तुम भी जाओ, तो उससे लोगों को बड़े प्रेरणा हुई. हैंडीकैप के लिए हर पोलिंग बूथ के ऊपर हमने रैंप लगाते हैं, हर ईवीएम पे 12 लाख मशीन के ऊपर ब्रेल की स्ट्रिप लगी हुई है ताकि वो वोट दे सके. माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन, लैंग्वेजेस का प्रोविजन, मल्टीलिंगुअल बैलेट पेपर एंड इलेक्टोरल रोल्स होते हैं. और शेड्यूल कास्ट या जो लोअर कास्ट के खिलाफ बड़ी एट्रोसिटीज होती थी, एक अनइनफॉर्मल कर्फ्यू होता था कि घर से बाहर नहीं निकलना, टांगे तोड़ देंगे, उनके उसको गार्ड करने के लिए हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग शुरू की कि किन किन गांव में किस किस तरह के लोग क्रिमिनल बनते हैं, क्या खतरा हो सकता है. एक आरपी का नाम और उसको हम अंडर सीआरपीसी उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन में हमने तो 3-4 लाख ऐसे लोगों को फाइन डाउन किया कि अगर बदमाशी करोगे तो तुम्हारे ये जमानत जब्त होगी. इसके नतीजे में बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ. बस एक दो बातें करके मैं खत्म करूंगा. एक ट्रांसजेंडर, हमारे पास एक अपील आई हिजड़ों से ट्रांसजेंडर के लिए, हम जब इलेक्ट्रो नाम लिखवाने जाते हैं तो नाम नहीं लिखते, और वो जो उसके लिए उनका रीजन ये होता था कि भाई मैं मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता लगता, तो हमने कहा कि इसका इलाज है, तो आफ्टर ऑल ही और शी इज अ ह्यूमन, उसको वोटिंग राइट तो होना चाहिए. तो हमने एक थर्ड जेंडर अदर अदर नाम का इंट्रोड्यूस कर दिया. तो बजाय इसके कि हम किसी अंडर सेक्रेटरी को होम मिनिस्ट्री में या कहीं रेफर करते, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, एक 10 लाख लोगों को इसका फायदा हो गया. और उसके बाद सेंसस वालों ने भी ये शुरू कर दिया, और दुनिया में कई कंट्रीज ने इसको फॉलो करना शुरू किया कि इनको व्हाई डोंट वी गिव देम एन आइडेंटिटी. सो इट्स वर्किंग वेरी वेल. आई विश मैं आपको कुछ बड़ी अच्छी पिक्चर दिखा सकता. अब जो क्रिमिनल्स और मनी पावर, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि मनी पावर के लिए हमने एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिविजन बनाई, 2 नई डिविजन हमने क्रिएट की थी, वोटर एजुकेशन के लिए विच वर्क फैंटास्टिकली, अदर वॉज मनी पावर के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया. तमिलनाडु वगैरह इलेक्शन में 73 करोड़ रुपए हमने पकड़े. करते क्या थे कि पहले तो नॉर्मली डंके के चोट पैसा लेके जाते थे, सूट केस में, ब्रीफ केस में, सीट पे जा रहा, पकड़ दकड़ हुई तो वो गाड़ी के दरवाजे में चला गया, और पकड़ दकड़ हुई तो उसके बजाय उन्होंने वो मंत्रियों की या पुलिस ऑफिसरों की जो फ्लैग कार्ड के अंदर उसके साथ मनी भेजने शुरू कर दिए. वो एम्बुलेंसेस में और फ्यूनरल वैन में पैसा भेजने लग गए. अब जैसे जैसे हमको मोटे सप्रेंडी का अंदाजा होता है, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ हम डर डर के भी चलते हैं कि हम ऐसी चीज ना करें जिससे लोगों को कुछ तकलीफ हो. अब जैसे तमिलनाडु में था, आपको याद हो कई बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर या के कॉन्वॉय की वजह से ट्रैफिक रोका, कोई एम्बुलेंस रुकी रह गई और पेशेंट मर गया या उसकी हालत खराब हो गई, ऐसी सिचुएशन ना आ जाए तो हमने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई एम्बुलेंस को रोकना नहीं, मरमरा गया तो हम मर जाएंगे, आप उसके पीछे पीछे जाना, जब वो अस्पताल जाकर पेशेंट को उतार लेंगे तब पकड़ना, तो उसको पकड़ा, उसमें पैसे पकड़ने. सो हर किस्म की ये क्राइम इज ऑलवेज अहेड ऑफ एनफोर्समेंट, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि एंटीसिपेट करें और उसको हम पकड़े. किस तरह सिडक्शन ऑफ वोटर, ब्राइबिंग ऑफ वोटर, हमारे एक ऑब्जर्वर ने देखा है बड़ी अच्छी पार्टी हो रही है, शादी चल रहा है, 4,000 के करीब लोग, उसमें शराब कबाब सब कुछ जैसे कि शादियों में होता है, तो वो इंक्विजिटिव था, वो अंदर गया या उसको भूख लग रही थी, वो अंदर गया, उसने देखा ना दुल्हन ना दुल्हन,
शादी का पार्टी ना दुल्हन दुल्हन, ये सिर्फ वोटर्स को ब्राइब करने की पार्टी थी। नहीं, ये गॉल मोटर्स अपरेंटी हमने पकड़ा है, हमने कहा ये देखा करें। उन दिनों बड़ी शादियां ब्याह जो है सब इलेक्शन के दौरान ही होती है, मुंडन भी उन्हीं दिनों होते हैं, हर भांजा भतीजा के बर्थडे उन्हीं दिनों होते हैं, क्योंकि ये एक तरीका हो गया। हमने उससे बहुत सब कुछ शुरू किया। नॉट दैट कि इसको वो चीटी करेंगे, अगली बार वो दूल्हा दुल्हन एक बोगस खड़ा भी कर देंगे और एक वेडिंग कार्ड भी साथ साथ छपवा के लगा देंगे, वो तो कोई बात नहीं, हम फिर कुछ और सोचेंगे। अब हम क्रिमिनल को डिबार करने के लिए त्रिपाठी जी जो हम रिक्वेस्ट करते चला रहा 20 साल से, कि जिन लोग जिनके खिलाफ सीरियस केसेस हैं उनको आप महरूम कीजिए इलेक्शन लड़ने से। पॉलिटिकल पार्टीज की मैंने भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई, सब ने इसको अपोज किया। क्यों करते हैं ये समझने की बात है, हो सकता है हम नहीं मोटी अकल है, हम नहीं समझ पा रहे, कोई बड़ा अच्छा रीजन होगा, आप सर इनसे पूछ के समझ लीजिएगा। हमने इनसे पूछा कि ऐसे लोगों को आप डिबार करो, एक स्टैंडर्ड जवाब होता है कि देखिए झूठा केस भी तो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगा सकती है, कैंडिडेट लगा सकते हैं, बात बिल्कुल ठीक है, ये जायज है, लेकिन इसके हमने 3 सेफगार्ड सजेस्ट किए हैं। 3 सेफगार्ड क्या है कि एक तो FIR सबसे पहले तो ये कि छोटा मोटा केस किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, कोई 144 की वायलेशन कर दी, भूल जाए। दूसरे ये केस कम से कम 6 महीने पहले इलेक्शन से रजिस्टर हो गया हो। और तीसरा ये जो और भी इम्पोर्टेंट सेफगार्ड, एक कोर्ट ऑफ लॉ जो हीनस ऑफेंसेस है तो देयरफॉर सेशन जज से कम तो कोई नहीं होगा, उसके बाद तो हाई कोर्ट ही होती है, सेशन कोर्ट में कोर्ट ऑफ लॉ शुड हैव फ्रेम द चार्जेस। तो अब कोर्ट ऑफ लॉ इंडिपेंडेंट है, उसने चार्जेस फ्रेम कर दिए, प्रामा फाई एफएससीएस भी अगर है लेकिन जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, कम से कम उस वक्त महरूम कर दिए, नहीं मानते। दूसरी चीज ये कहते कि साहब लॉ ऑफ द लैंड इज यू आर इनोसेंट टिल कन्विक्टेड टिल प्रूव गिल्टी, माना सही बात है। फिर लेकिन मैं एक सवाल इसके जवाब में एक सवाल करता हूं, उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने कहा कि आज हिंदुस्तान की जेलों में 4 लाख लोग बंद हैं, उनमें से 2,70,000 अंडर ट्रायल है, यानी अभी कन्विक्ट नहीं हुए, यानी इनोसेंट है। आपने उन 2,70,000 इनोसेंट के चार चार फंडामेंटल राइट्स छीन रखे ऑलरेडी, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट टू डिग्निटी, बिसाइड फॉर फंडामेंटल राइट, राइट टू वोट। आप 5-4 फंडामेंटल राइट प्लस इंपॉर्टेंट राइट अगर छीन सकते हैं, तो किसी कैंडिडेट से को अगर कुछ दिन इलेक्शन से महरूम कर दें कि भाई पहले अपना ठीक ठाक करके आओ तभी बात करना। फिर जब सवाल करते हैं कि साहब वोट अगर आफ्टर ट्रायल 5-10 साल बाद वो इनोसेंट साबित हुआ, इस बीच में तो उसके 10 साल अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, उसका भी काउंटर क्वेश्चन। वॉट इफ ही इज कन्विक्टेड आफ्टर 10 ईयर्स के उस 10 साल में एक रेपिस्ट ही कंटिन्यूज टू रेप, कितनी कितनी बेशर्मी से हम देखते रहते हैं कि अभी तो पिछले दिनों से जरा कम हुआ है, वरना एक जमाना था हफ्ते में 2 ऐसे केस आते थे, फला मिनिस्टर पकड़ा गया, फला एमएलए पकड़ा गया रेप केस में। सो इसलिए अब इससे पूरी पॉलिटिकल क्लास आपकी बदनाम हो रही है। एक डेमोक्रेसी त्रिपाठी जी एक फ्रेजाइल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैंने जैसा आपको मिसाल दी कि जब लोगों का फेथ इससे हट जाए तो वो किसी न किसी खतरनाक तरीके से फूट के आता है। तो इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ आप जैसे सीनियर नेताओं को चाहिए कि जो इरेस्पॉन्सिबल किस्म के वो लोग हैं उनको इसमें से बाहर कीजिए। और एक तो बल्कि मैं पॉलिटिकल दिमाग तो मेरा नहीं है, आप ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी से जो इनफॉर्मली बात करो तो बहाना या रीजन ये देते हैं विनेबिलिटी, कि एवरी सीट इज इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट पुट अप ए कैंडिडेट हु कैन विन द इलेक्शन, इट हैज टू बी विनेबल। मेरा ये अर्ज है कि आप उसको गौर कीजिए कि अगर एक दफा कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे डंके की चोट कि मैं किसी क्रिमिनल को नहीं दूंगा, शरीफ आदमी को दूंगा, हो सकता है जनता उसको वोट आपके इस चैलेंज को कबूल करके ऐसे लोगों को जितवाए और साबित कर दे कि ईमानदार आदमी ज्यादा विनेबल है, लोग उसको ज्यादा वोट करें। मिसाल के तौर पर औरतों को टिकट नहीं देते आप लोग, लेकिन उसी विनेबिलिटी के नाम से मैं आपको स्टेटिस्टिक देता हूं कि दे आर मोर विनेबल। पिछले इलेक्शन में 6% कैंडिडेट औरतें थी, लेकिन 9% वुमेन इन पार्लियामेंट एमपी आर वुमेन।
दैट मीन उनकी विनिंग परसेंटेज 50% मोर देन देयर रिप्रेजेंटेशन. सो इसलिए ये विनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट तो आप जरूर देखिए. फिर एक जवाब होता है स्टेट फंडिंग का नंबर है बीमारी रोकने के लिए, इतना पैसा रोकने के लिए. बिल्कुल हम लोग उसके खिलाफ हैं क्योंकि स्टेट फंडिंग हमारी जो लड़ाई है वो ब्लैक मनी से है, व्हाइट मनी से नहीं है. 40 लाख रुपए जो एमपी खर्च करता है 16 लाख विधानसभा में, उससे हमको कोई झगड़ा नहीं है. 40 का 40 लाख चलिए स्टेट से ले लीजिए, लेकिन जो 5-10 करोड़ आप बेमानी से ब्लैक खर्च करते हैं वो 10 करोड़ में 40 लाख और ऐड हो जाएगा जो आपने बचाया हमसे, हमें चले जाएगा. तो क्या गारंटी है कि स्टेट फंडिंग के बाद ईमानदारी शुरू हो जाएगी. बहरहाल हमारे कोशिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना एक एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन कि 2 साल पहले हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट. इलेक्शन कमीशन के टॉप फ्लोर खाली करा के वहां पे कर लिया. एलजी से मैंने जाके 5 एकड़ जमीन द्वारका में ले ली. आपको जानकर खुशी होगी पिछले 18 महीने में हम 35 मुल्कों को ट्रेनिंग दे चुके हैं. गाड़ी लगी हुई है, हम उसको ज्वाइन करवाया, जबकि लॉ मिनिस्ट्री ने इसको पूरा अपोज किया था. बट आज तक कोई ऑपोजिशन चल रही है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन कर सकता था हमने इसको किया. फिर हमने 7 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक मीटिंग थी, उनके सबके 8 के 8 नाम पत्थर पे लिखवाए, द्वारका में उनके पत्थर रखा. श्रीलंका के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी स्पीच में इंटरेस्टिंग बात कही. उन्होंने कहा कि साहब मैं 40 साल से अपनी पब्लिक लाइफ में श्रीलंका में, मेरी कंट्री में मेरा नाम किसी पत्थर पे नहीं है, लेकिन यहाँ आप मेरा नाम अपने आपके पत्थर पे आपने लिखे, मुझे इतनी इज्जत और मेरी कंट्री को ओनरशिप दे दी. तो ये डेमोक्रेसी में ये बड़ी एक परसेप्शन, ये सरल चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनका फायदा. यही वजह है कि दुनिया के मुल्क हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं. और अगर ये हम वी हैव एवरीथिंग टू बी प्राउड अबाउट अबाउट इंडिया डेमोक्रेसी, रनिंग सच अ बिग डेमोक्रेसी इज नॉट अ जोक, बट इंडिया इज शोइंग टू द वर्ल्ड दैट इट कैन डू इट. सर बस ये इलेक्टोरल रिफॉर्म पॉलिटिकल इस किस्म के कैंडिडेट्स को क्रिमिनल्स को और पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है उसको ट्रांसपेरेंट, ये 2 डिमांड हमारे 25 रिफॉर्म प्रपोजल में, ये 2 आप इसको मनवा लीजिए. ट्रांसपेरेंसी के पॉलिटिकल फंडिंग का मतलब यह है कि पार्टी का हर आमदनी और खर्चा सिर्फ चेक से होगा. साल में एक बार एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट कराएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं पार्टी होल्डर से, पार्टी होल्डर से नहीं, अपने इंडिपेंडेंट से जिसकी पैनल हम देंगे, और उसको आप वेबसाइट पे डाल दीजिए, उसके से पता लग जाएगा लोगों को कि किस कंपनी ने आपको 100 करोड़ दिए जिसको आपने बाद में लाइसेंस देकर अप्लाई किया, लोगों को पता लग जाएगा. अब मैं ये भी बता दूंगा आरटीआई ने अब ये कह दिया कि अब आप आरटीआई में हम जवाब दीजिए. सुभाष अग्रवाल जिन्होंने आरटीआई को पिटिशन किया था जो मशहूर है सब जानते हैं, उन्होंने एक बात कही, मैं और वो एक ही टीवी के दूरदर्शन के प्रोग्राम में साथ थे. उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की ये बात मान ली होती तो हमको आरटीआई का ही आइडिया दिमाग में भी ना आता. अब पॉलिटिकल पार्टी दुहाई देते कि नहीं हम तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में, ये हमसे जो काम कर देते हैं ये आरटीआई कहां से आ गया, सीआईसी कौन होता है, हम इनके अंडर में. जब हम कहते थे हमारी बात मान लो, हम तो अपने अंडर में भी नहीं कहते कि हमसे आप बातें ना करो, आप ऑडिट करा के वेबसाइट पे डाल दो. अब आप सुबह से शाम तक 200 आरटीआई की एप्लीकेशन को रोज अटेंड कीजिए. अब ये आप लोगों की इसकी सजा है. ये अगर आपने बाकी चीजें भी आपको जनता को सजा न दे दे, इसलिए प्लीज जस्ट क्लीन अप पॉलिटिक्स फ्रॉम द डर्टी एलिमेंट, बिकॉज लीडर्स लाइक यू can really change the country, and there are we have many leaders of your stature and who really India can be very proud of. Thank you, ladies and gentlemen. बहुत शुक्रिया प्रशी साहब इस बसीरत अफरोज तकरीर के लिए. ऐसे मामूली नुक्ते जिनकी तरफ हमारा जहन नहीं जाता है लेकिन कितनी अहम और जरूरी चीजें हैं उनकी तरफ आपने इशारा किया. और सबसे अहम चीज ये कि इलेक्शन कमीशन हमारा धीरे धीरे जो है उन चीजों को और इनोवेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिन नुकतों की तरफ आपने इशारा किया वाकई में हम लोगों का जहन उधर नहीं जाता है. इसी उम्दा तकरीर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले कि मैं डॉक्टर हरजीत से आप तमाम
दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के लिए कहूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ सईदा आपा से के बहुत ही मुख्तसर अपने इंटरवेंशन अपने ख्याल से नवाजें सईदा आपा। याकूब कुरैशी साहब के इस बहुत ही ब्रिलियंट डिस्कोर्स के बाद मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ, मजीद कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है। एक तो ये कि जिस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात की है, याकूब साहब, डिप्टी साहब, जिस कॉन्टेक्स्ट में कुरैशी साहब ने बात की है, जब हम लोग बिल्कुल ब्रिंक पे खड़े हैं, दिल्ली इज गोइंग टू इलेक्शन, हरियाणा इज गोइंग टू इलेक्शन, 5 स्टेट्स जा रहे हैं, तो इसकी जो टाइमिंग है और ये जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है और जिस तरह से इन्होंने हमें बताया है, इसकी आई रियली वांट टू कमेंड दैट टाइमिंग, पॉइंट वन। दूसरी पॉइंट, इस वक्त पॉलिटी में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है जिसमें कोई नजरअंदाज ना हो, उसमें बहुत कुछ याकूब साहब ने बताया है, मगर मैं ये कहना चाहती हूं अगर उसका कोई रिफ्लेक्शन है तो वो पुजारी है जो एक मंदिर में रहता है, वो आदमी है जो कहीं आइलैंड में रहता है जो कि मालदीव्स के ज्यादा पास है, हिंदुस्तान से ज्यादा दूर है, और उसको मद्देनजर रखते हुए उसके राइट्स किसी तरह से कोई वायलेट ना हो, और वो औरत जो फिजिकली और या मेंटली चैलेंज्ड है, हैंडीकैप्ड है, वो औरत जो बूढ़ी है, उसको लाने के लिए जो उन्होंने जो इंक्लूसिवनेस की बात की है, वो एक और बात जिसको मैं बहुत ही कमेंट करती हूं। और तीसरी बात औरतों का, जो इन्होंने इस वक्त 3-4 बातें आपके सामने रखी हैं, उसके लिए डिस्कोर्सेस बहुत हो सकते हैं, मगर जेंडर सेंसिटिविटी जिसकी बात इन्होंने की है, जिसका इन्होंने आंकड़ों से ये बताया है कि विनेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से औरतें जो है वो जीत सकती हैं, उनको विनेबिलिटी के नाम पे उनको चांस नहीं दिया जाता, और औरतों को किस तरह से सहूलियतें क्रिएट की इन्होंने कि जिससे वो औरत अपने काम धंधा जो छोड़ के आई है उसको ये न, उसके लिए वक्त बहुत ही एक अहम चीज है, और किस तरह से उसको क्लैप्स करके और वो वोट डालने में कामयाब हुई है और मोटिवेट करने में कामयाब हुई है। ये तीसरी बात। बस आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि अब वो वक्त आ गया है कि ये जो एक बहुत मेल डोमिनेटेड इलेक्शन कमीशन है, इसमें किसी औरत को आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सईदा आपा। वैसे तो आमतौर पे मेमोरियल लेक्चर्स में क्वेश्चन आंसर जो है सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होता है, लेकिन इसवाय कुरैशी साहब का ये कहना है कि अगर आप हाजरीन में से कोई साहब किसी के जहन में कोई ऐसा सवाल है जो कुरैशी साहब से पूछना चाहते हैं तो वो इस बात की दावत दे रहे हैं, और आपको इस बात के लिए जो अगर कोई हमारे दोस्त किसी के जहन में अगर कोई ऐसा सवाल है तो पूछ सकते हैं। Not like any one of them. So would you put in a column where I can maro a thappa that I don't subscribe? And I believe some other countries have this also. I'm not sure. एक बटन हमको आपने बटन सोचा था जो आपका अलाउ कर दिया जाए, वो भी सरकार के पास पेंडिंग है, लेकिन फिलहाल जो लीगल पोजीशन है वो ये है कि none of the above के लिए पूरा कैंपेन चला, तो क्या आप जाके देंगे, मैंने वोट नहीं देना आप, लेकिन अपना नाम लिखवा देते हैं। उसका पर्पज ये था कि आपके आपने तो वोट देना नहीं, आप नहीं जाएंगे लेकिन आपके बिहार पे कोई जाके वोट दे आएगा, उसको अवॉइड करने के लिए ये फैसिलिटी पहले प्रिंटेड रोल के जमाने में होती थी। अब अगर आप जाके अब वहाँ कोई बटन है नहीं, अगर आप जाएं और शैपिंग ये करें कि जी मैंने तो वोट दे दिया, लेकिन वो जब तक बीप नहीं होगी तो लोग समझे वोट तो नहीं हुआ, तो आपकी सीक्रेसी नहीं रह पाएगी कि इसका मतलब आप अंदर नहीं वोट नहीं दिया और लोगों को पता लग जाए। इसलिए हम चाहते हैं इस तरह का बटन मिले। पहले लोग क्या करते थे कि बैलेट पेपर लिया या तो ब्लैंक मोड़ के डाल दिया,
या उसके ऊपर दो तीन जगह मोहर लगा दी तो इन दोनों इनवैलिड हो गए, या और सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका था उसके लिखते सब चोर है ये कह के फोड़ देंगे तो अब वो चीज मशीन के आ रही है बात में मशीन में वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो हमने ये डिमांड की भी है, अभी लीगल पोजीशन ये है कि 1000 लोग अगर वोट देते हैं और जितने 999 नरसिंह अभव और एक शर्वानी साहब को, हमारे लिए शर्वानी साहब विनर है क्योंकि यही एक लेजिट वैलिड वोट है, बाकी अनडिक्लेयर वोट है, पता नहीं क्या इनकी इंटेंशन है। फिलहाल लीगल पोजीशन ये है कि जब तक ये नहीं होता, दूसरा ऑल्टरनेटिव कि आप अच्छे कैंडिडेट खड़े क्यों नहीं करते, अच्छे कैंडिडेट खुद क्यों नहीं खड़े होते, और ताकि लोगों को मौका तो मिले, वरना जब चॉइस ही लोगों को नहीं मिलेगी तो वो कैसे उस पर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए नन ऑफ दी अबव के तरीके कोई तो अच्छा होगा 15-20 की इसमें, लेकिन क्योंकि आप ऑन द बेसिस ऑफ 1 or 2 टॉप गाइस सबको बुरा डिक्लेयर करते हैं वो भी तो जाके। चुनाव के वक्त ही सांप्रदायिक तत्व एकदम क्यों बढ़ते हैं और इसीलिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है? लाइक दैट अभी यूपी मुजफ्फरनगर पश्चिम यूपी में जो चल रहा है ये इलेक्शन के वक्त एक माहौल बनाया जा रहा है कि सांप्रदायिकता का, इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रोल तो इलेक्शन जब अनाउंस करते हैं ना उसके बाद ही शुरू होता है। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद हर किस्म की सांप्रदायिक अपील उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, काफी इम्पोर्टेंट इसमें केसेज है, किसी ने कास्ट बेसिस पे कम्युनल बेसिस पे अपील की वो करते हैं, लेकिन इससे पहले आगे पीछे क्या होता है बात जो आप कह रहे हैं है रियलिटी है कि पोलराइजेशन वोट के लिए क्या होता है वरना इतनी रेगुलरिटी से ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ नहीं, इसमें तो नेताओं को लीडर्स को शुक्रिया। मैं आखिर में दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रोफेसर हरजीत सिंह से, आपका भी जी आखिरी सवाल पूछना सरकार क्या करे पार्लियामेंट क्या करे ये तो हम सब कह रहे हैं, लेकिन जुडिशरी का इसमें जो एक जिम्मेदारी बनती है वो उस पर डिबेट नहीं होती, ये भी कमी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1950 से लिखा हुआ है कि इलेक्शन पिटीशन 6 महीने में फैसला होना चाहिए, सिवाय केरल हाईकोर्ट के जो 1 साल के अंदर करते थे, कोई हाईकोर्ट नहीं कर रही, और आपने भी कहा कि वो 5 साल की पूरी टर्म निकल गए उसके बाद आया, तो ये मौकरी ऑफ द सिस्टम। इस पर भी पार्लियामेंट भी गौर करे और जुडिशरी भी सोचे कि इसका क्या इलाज करें, क्योंकि ये इस सिस्टम के को बदनाम करने के लिए इम्पोर्टेंट। हरजीत जी आइए। आपने अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच डॉक्टर कुरैशी की सुनी और उसकी तारीफ की जा सके वो कम है, और मैडम साजिदा अहमद ने बड़ी अच्छी बातें कही। मैडम आई हैव स्पोर्ट ऑफ यू दैट इलेक्शन कमीशन में भी औरतें ज्यादा होनी चाहिए। आई हैव बीन गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी डायस पे मेरे दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी बैठे हुए हैं, दीपी त्रिपाठी से मेरा बड़ा पुराना लिंक है, डॉक्टर अली जावेद बैठे हुए हैं। मैं इससे पहले कि फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करूं, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि ये मुनीस रजा मेमोरियल लेक्चर है, उन्हीं के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने पहली बार प्रोफेसर मुनीस रजा को जुलाई 1971 में देखा था, मैं नहीं जानता था कि इनका नाम मुनीस रजा है। मुझे एक इंटरव्यू कॉल आई थी एमफिल पीएचडी एडमिशन के लिए, तब मैं इंटरव्यू में आया तो वहां 7-8 लोगों का बोर्ड बैठा था, उनमें से एक मेंबर नजरतिया हबीब कुदवाई यहां बैठी हुई है,
शी वाज आल्सो देयर, तो उनकी बोर्ड में बीच में एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड लुकिंग पर्सन जो बार बार ऐसे करते थे वो बैठे हुए थे। तो मैं सोच रहा था ये कौन है, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि वुड यू लाइक टू वर्क ऑन लद्दाख। और मैं तो एडमिशन चाहता था तो मुझे पता नहीं था लद्दाख क्या है कहाँ है। मैंने कहा सर आई वुड लव टू वर्क ऑन लद्दाख। इस तरह से मेरी एडमिशन हुई। मैं सिर्फ मुनि साहब के बारे में एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, हालांकि मेरा उनसे रिश्ता जब तक वो जिंदा रहे बहुत क्लोजली रहा 71 से लेके। इसमें एक किस्सा बताता हूँ, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, ये जो पर्सनल किस्सा है कि ये अर्ली 80s की बात होगी। हमारे एक नए वाइस चांसलर आए थे जेएनयू में, उन दिनों में वार्डन होता था, तो उस वाइस चांसलर साहब ने सब वार्डन डीन ऑफ स्टूडेंट्स और प्रोवोस्ट, हमारे यहाँ डीन हॉस्टल का एक इंचार्ज होता है जिसको प्रोवोस्ट कहते हैं, वो उनकी मीटिंग कॉल की। मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन एक प्रोवोस्ट उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत खली। उन्होंने नए वाइस चांसलर को यह बताया कि साहब इस कैंपस में तो कोई ऑटो रिक्शा वाला नहीं आता, वो कहते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, वहां एक आदमी है मुनिस रजा, वो हमें एडमिशन दे देगा एमफिल पीएचडी में और हम उनसे पीएचडी करवा देंगे। ये एक जोक की तरह उन्होंने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया उस मीटिंग में। मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया वाइस चांसलर के सामने। जब वो मीटिंग खत्म हुई तो मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ आ रहा था पैदल, और उन दिनों हम ओल्ड कैंपस में थे, तो मेरे सामने प्रोफेसर मुनिस रजा लॉन में घूम रहे थे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने मुझे देख के कहा तुम बहुत गुस्से में है और नाराज लग रहे हो, क्या हुआ है? तो मैंने उनको कहा, मैंने कि मैं वहां गया था मीटिंग में और फला टीचर ने ये बात कही और मुझे बात बुरी लगी। जब मैंने ये बात कही तो प्रोफेसर रजा ने मुझे डांटा, कहते तुम मूर्ख हो, उसने ठीक कहा। कहते देखो मैं चाहता हूं एक ऑटो रिक्शा वाले का बच्चा, एक कुली का बच्चा मेरे यहां एडमिशन ले। कहता है इस यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को जिनके 90% मार्क्स या 80% मार्क्स होते हैं उनको एडमिशन देते हैं, और उसके बाद उनको डिग्री लेते हैं 60% या 65% नंबर देके। कहता मैं चाहता हूं कि एक गरीब मजदूर का बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा मेरे सेंटर में आए 50% नंबर लेके। अगर मैं उसको 55% नंबर दे के डिग्री दूं तो ये हमारी अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट नहीं है कि 90% ये एक फिलॉसफी थी उनकी जो उन्होंने फॉलो की। और उसके अलावा बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये जो बाद में रिजर्वेशन जो सब कुछ आया, उन्होंने जेएनयू में कोई रिजर्वेशन नहीं था। जेएनयू पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन एंड रीजनल डेप्रिवेशन शुरू की, और उन दिनों हम लोगों ने एक्सरसाइज की हमारे सेंटर में अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर मुनिस रजा के हिंदुस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट को 40 में बांटो, जो डेवलप्ड हैं, कम डेवलप्ड हैं, जो बैकवर्ड है और बहुत बैकवर्ड है। जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई स्टूडेंट आता है कैंडिडेट, उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दो। जो बैकवर्ड से आता है उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा दो। जो डेवलप्ड और वेरी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से आता है उसको कोई नंबर नहीं दो। ये एक पॉजिटिव पॉलिसी बहुत बाद में लोगों ने सोचा, उस वक्त जब कोई रिजर्वेशन की इस तरह की नहीं थी, तो इसे मुनिस रजा ने ये उन दिनों अर्ली 70s में इंट्रोड्यूस किया। ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी। नाउ आफ्टर हैविंग सेड दिस आई एम ग्रेटफुल, आई थिंक आई शुड नॉट थैंक द ट्रस्ट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड बट एट द सेम टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड माय सिंसियर थैंक्स टू डॉक्टर कुरैशी हु हैज गिवन एक्सीलेंस एंड वी वांट योर सपोर्ट फॉर इवन इन फ्यूचर। मैडम सईदा अहमद, अगेन मैडम दिस हैज बीन वेरी काइंड ऑफ यू दैट यू कम। And I would also like to put on record my gratitude to all of you, especially to one person sitting in front of me, that is
मिसेस मुनिस रजा. शैला रजा, we affectionately always call her Shaila Appa, and she, her blessing has been with us, and without इनके आशीर्वाद के बिना हमारे लिए, और हमने इनको, मैंने तो पिछले 42 साल में जब से मेरी एसोसिएशन रही है इनको काफी परेशान किया है, घर पे भी बाहर भी. तो मैं, मैडम, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू इवन ऑन बिहाफ ऑफ दिस ट्रस्ट. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड द एफर्ट्स मेड बाई माई फ्रेंड देवी प्रसाद त्रिपाठी after the demise of Dr. Abid Hussain. Tripathi ji has taken a lot of interest and I'm very happy that he is now put it back into onto strong footing, and we cannot run this trust without the help of my friend Ali Javed. He has been running around making all that in mind, and he is one force which always keeps us on the toes. This lecture is now and you have to come, and I think without his effort again this lecture would have been possible. And I would also like to put on record my thanks to all of you, jo bhi aap log aaye aur unhone bahut bahut distinguished work mere samne rakhe hain. Main har ek ka naam nahi le sakta aur main unka sabka haath jod ke dhanyawad karta hu. Thank you. जैसा कि ऐलान किया है हमारे चेयरमैन डीपी त्रिपाठी जी ने कि आइंदा अगला लेक्चर जो है वो 5 फरवरी को होगा, उसका दावतनामा और लेक्चर कौन देगा ये सारी तफसील जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी. शाहिद साहब आप कुछ फरमा रहे थे. इस ट्रस्ट के जरिए तमाम लेक्चर हुआ और इंशाल्लाह आगे भी होगा, और अब त्रिपाठी साहब ने इसकी सदारत कबूल की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये काफी फरोग इसको होगा और जावेद साहब की कोई इश्यू से. अब चूंकि अब सब अहबाब यहां जमा हैं मुनीस भाई के, तो मैं एक बात, एक दरखास्त करना चाहता हूं. मुनीस भाई के बारे में बहुत से उनके जानने वाले हैं और हर एक की कुछ न कुछ याद है. मैं समझता हूं कि अगर हम कुछ ऐसा इंतजाम करें कि इस ओरल हिस्ट्री को बार बार आती है महफूज कर लें किताब की शक्ल में, तो ये एक यादगार उनके लिए रहेगी. इसलिए कि मेरी नजर से उनके बारे में कोई ऐसा मेमोरियल वैल्यू नहीं निकला है, और उनके जो जानने वाले हैं चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, अलीगढ़ के हों, जेएनयू के हों या निपा के हों, वो अब धीरे धीरे हमसे रुखसत हो रहे हैं. तो ये एक तजवीज है, अभी भी मेरा ख्याल है कम से कम 30-40 लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ, कभी उनकी सियासी सरगर्मियों में थे, कभी उनके साथ अलीगढ़ में थे, कभी उनसे छोटे थे जैसे मैं था. इसका अगर हम बंदोबस्त कर सकें, और अगर एक आसान तरीका है कि अगर वो लिख के, लिखने में लोगों को जहमत होती है, तो हम कम से कम उनकी जो ओरल यादें हैं उनको हम रिकॉर्ड करके जमा करें. तो अगर हम ये करते हैं तो कम से कम ट्रस्ट का एक लास्टिंग कारनामा होगा. और ये तजवीज में जो आज जो सदर हैं ट्रस्ट के, उनके सामने और जावेद साहब के सामने रखता हूं. और जब भी आप मीटिंग करें ट्रस्ट की, तो मैं समझता हूं कि इस चीज को कैसे हम आमली जामा पहना सकते हैं उस पर बात करें. शुक्रिया. बहुत ही मुनासिब उम्दा तजवीज है, और अभी जैसा मैंने दरखास्त की है कि इसके फौरन बाद जो हमारे ट्रस्टी हैं थोड़ा वक्त निकाले हैं हमें दें, तो हम थोड़ी देर के लिए बैठ करके इसको फॉर्मल शेप देने की कोशिश करें. आपका अच्छा, मैं बहुत बीमार हूँ आपसे.
Thank you.